अंजी, सो वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन दिस चैनल एंड वंस अगेन फिर से वही शाम, वही सुबह, वही सुबह जगह होगा। सो अगेन फिर से एक नए आगाज और एक नया सुबह का साथ आगाज करते हैं अपने जगदीश सीरीज का। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन दिस चैनल एंड वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो इफ माय वॉइस इज प्रॉपरली कमिंग देन प्लीज लेट मी नो बाय शोइंग योर थंब बेटा, यस आपकी आवाज प्रॉपरली आ रही है कि नहीं। सो हमेशा एक बात याद रखिए बेटा, हमेशा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, एक हल्की सी स्माइल देके अपने इस दिन की शुरुआत किया करो और अपनी पढ़ाई पे लग जाओ, बिकॉज एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, आ चुके हैं, डेट निकल चुकी है और बेटा चकदेव सीरीज भी स्टार्ट हो गई। मुझे लगता है कि हाँ भाई, जो डेट एग्जामिनेशन आती है वो चकदेव सीरीज के अकॉर्डिंग ही बन जाती है। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं चकदेव सीरीज को तभी सारे सिक्वेंस में आपके एग्जामिनेशन आ जाते हैं। सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, प्लीज प्लीज एंड प्लीज आप लोग बिल्कुल ध्यान से जो चीजें बताई जाती हैं उसको प्रॉपरली पढ़िए, समझदारी से अच्छे से मुस्कुराते रहिए और बट्टा आप लोग का एग्जामिनेशन में सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ओके, तो आई थिंक माय वॉइस इज प्रॉपरली कमिंग टू एवरीवन, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके ओके, वेरी गुड। सो फल स्टार्ट करते हैं, इफ माई वॉइस इज प्रॉपरली कमिंग बड़ा हम दिखाइएगा, इफ माई वॉइस इज प्रॉपरली कमिंग देन प्लीज लेट मी नो बाय शोइंग योर थंब बेटा, यस। सो फाइनली सारे एग्जाम्स एकदम लाइन से लगे हुए हैं, किसी भी स्टेट के एग्जाम हो बेटा हमेशा रखिएगा टेक्निकल पार्ट एकदम स्ट्रांग करना है और उसको क्लियर करना है, बिकॉज हर जगह का टेक्निकल पार्ट एकदम सेम रहता है और उसको हमको प्रॉपरली आगे बढ़ते हुए समझते हुए लेके चलना है। सो एवरीथिंग इज प्रॉपर इन सिक्वेंस और फिर से दोबारा से आपको चकदेव सीरीज यहाँ पे मिलने वाली है। थिंग इज दैट क्वेश्चन विथ सोल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट एंड विथ बेटा प्रॉपर माइंड सेट। ओके चलिए, वेरी गुड। तो आई थिंक सब कुछ रेडी है, तो मैं इसको भाई साहब को ये जो सबका हम लोग की लाइफ का पार्ट है कि ये जो बचपन में हम लोग बहुत ज्यादा इसके लिए एक्सपीरियंस कर किए हुए हैं वो आपने यहाँ देखा पढ़ा सुना, और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नाइट मोड में लेके चलता हूँ, ठीक है बेटा, नाइट मोड में लेके चलता हूँ। और फिर से जो बच्चे नए हैं उन लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ, जो बच्चे नए हैं मैं उन लोग को थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि बेटा आप लोग के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है इस चकदेव सीरीज के, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं क्या बेटा। सिंपली आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और विद इन अ टाइम लिमिट करना है, एक प्रॉपर कॉपी होनी चाहिए आपके पास जिसमें आप लोग मैं जो बोलता हूं उसका नोट्स बन पाए, और एग्जामिनेशन का लास्ट में आपको एनालिसिस करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने क्वेश्चन गलत किए बेटा, और वो मुझको भेजा करिए। जो बच्चे मुझे भेजते हैं बेटा आज उनका डीएफसीसीएल में काफी अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है, आपको दिखेगा 5 तारीख है आज आपको आंसर की आ जाएगी डीएफसीसीएल की। सो बने रहिएगा, आपको बताऊंगा कि हाँ कौन सा ऑब्जेक्शन क्या करना है क्या नहीं करना है। सो फाइनली आप लोग प्लीज प्लीज एनालिसिस करते रहिएगा, अपने रिस्पॉन्स शीट मुझे भेजते रहिएगा ताकि हम उसके अकॉर्डिंग बेटा आप लोग को क्वेश्चन सोल्यूशन दे सके। ओके चलिए, वेरी गुड। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन, और थिंग इज दैट बहुत ही प्यार से आराम से पहला क्वेश्चन आ रहा है उसको ध्यान से देखिए बेटा और आंसर देने की कोशिश करिए, बिकॉज एवरी क्वेश्चन आर फ्रॉम द कमिंग एग्जामिनेशन बेटा, और आप लोग को ये सारे क्वेश्चन को प्रॉपरली देखने बेटा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, बहुत ही प्यार से आराम से क्वेश्चन को देखिए, खेलिए, सीखिए बेटा और एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए, बिकॉज टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 और स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, और सभी बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे जो कि पार्ट है हमारे जेनिक फैमिली का। सो ऑलवेज मेंबर, आप लोग हमेशा हमारे पार्ट हो बेटा और आप लोग तब तक आपके साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही प्यार से ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज लेके आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए अपना जो कि मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा बेटा और आंसर को देने की कोशिश करिएगा बेटा। ओके चलिए, वेरी गुड। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडे सेशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आराम से ध्यान से करिए, और आप लोग हमेशा क्वेश्चन को करने से पहले ये एनालिसिस क्रिया करें कि भैया ये क्वेश्चन जो है वो किस सब्जेक्ट का है। तो भैया लोड फ्लो स्टडी, कहीं भी आपसे इंटरव्यू में पूछा है भैया लोड फ्लो स्टडी क्यों करते हैं भैया, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज आंसर बेटा। लोड फ्लो स्टडी आप लोग जो पढ़ते हो पावर सिस्टम में, ये कहां का भैया, ये पावर सिस्टम सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, लोड फ्लो स्टडी एक आपका चैप्टर होता है उसमें। तो बेटा बेसिकली उसको आप लोग पढ़ोगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बेटा आप लोग वहां पर भी जाके लोड फ्लो स्टडी करोगे। क्यों? क्योंकि भैया किसी भी जगह का
क्या वहां प्लानिंग करनी है, कितना वहां का डिमांड है, कितना आपको वहां पे जनरेशन करना पड़ेगा। तो वो सब प्लानिंग किसके हेल्प से होती है बेटा, वो लोड फ्लो एनालिसिस के ही हेल्प से होती है। तो सिलेक्शन के बाद जो आप करने वाले हो वो लोड फ्लो एनालिसिस ही करोगे अगर किसी आप कहीं पे पावर जनरेशन प्लांट में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जाओगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस लोड फ्लो स्टडी इज बेसिकली डन टू द फॉर वॉट बेटा, दैट इज फॉर द सिस्टम प्लानिंग बेटा। सिस्टम प्लानिंग के लिए हम लोग लोड फ्लो स्टडी की बात करते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है और आपको इसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। आराम से याद रखिएगा, लोड फ्लो स्टडी इज बेसिकली डन टू डू द प्लानिंग की भैया कितना जनरेशन प्लांट, कितना वहां पे आपका लोड कितना है, डिमांड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग वहां पे जनरेशन प्लांट या फिर सबस्टेशन को इंस्टॉल कर सकते हो बेटा। ओके, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते बेटा। आई थिंक सबका ये आंसर आ चुका होगा। ओके सर, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच इज अच्छा है, सिंपल है और बेटा एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, भैया इंस्ट्रूमेंट आ गया मतलब मेजरमेंट क्वेश्चन है। अगेन आई एम सेइंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, प्लीज 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 सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। आज सारे क्वेश्चन क्या बेटा आपके ए लेवल के हैं, तो अच्छे से प्यार से कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हुए चलिएगा और कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसका कॉन्सेप्ट जरूर सीखिएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, नैना, शिल्पा, राज, राजू राज, वेरी गुड बेटा। सो व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, द आंसर विल बी व्हाट बेटा, कौन सा इसमें से इंस्ट्रूमेंट है जो कि भैया जिसमें कि हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस नहीं होता। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस नहीं होता। हिस्टेरेसिस कहां से आएगा, जहां फ्लक्स होगा, है ना बेटा। तो फ्लक्स वेस कहां पे नहीं होता है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखो हिंट से जाना करिए कि यार जहां पे कैसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फ्लक्स वेस नहीं होता, तो भैया इसमें तो होता है तो भाई इसको नहीं लेंगे, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो सर हमारा जो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में जो होता है बेटा आपका कोई भी हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस इसमें नहीं होता है। तो याद रखिएगा, आप बता इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या, वहां चार्ज चार्ज का है, स्टैटिक चार्ज का खेल होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट विच डोंट हैव एनी हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस बेटा। ओके, इसी तरह से यहाँ पे बेटा करेगा पीएमएमसी, ये सिर्फ और सिर्फ आपका डीसी सप्लाई को मेजर करता है बेटा, इसको याद रखिएगा। और मूविंग आयरन आप डायनामोमीटर आपको पता होगा सर। ओके, चलिए तो ध्यान से प्यार से हर क्वेश्चन को देखिए बेटा और क्वेश्चन को पढ़िए कि हाँ क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दीजिए बेटा। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सुजीत। चलो, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हार्टले ऑस्किलेटर। एक ये ऑस्किलेटर है बेटा, वो किसको कहा जाता है, हार्टले ऑस्किलेटर जो होता है बेटा वो किसका नाम है, इज यूज फॉर जनरेटिंग व्हाट। ये जो आपका हार्टले ऑस्किलेटर होता है बेटा, ये क्या जनरेटिंग के हम लोग क्या जनरेट करने के लिए इसको यूज करते हैं, हार्टले ऑस्किलेटर को हम लोग बेटा क्या जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, इट इज बेसिकली यूज फॉर व्हाट व्हाट व्हाट, सभी का आंसर देखो मैं, इट इज बेसिकली यूज फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑस्किलेशन। एंड अगेन बेटा दिस इज डीएमआरसी, डीएमआरसी बेटा डीएमआरसी ए, और सर आपका आपका इसमें एससी में, और सर आपका यूपी आरवीएनएल में, यूपी आरवीएनएल ए, और सर आपका यूपी पॉलिटेक्निक में आ सकता है। ओके सर, तो इसका आंसर याद रखिएगा, दिस इज द हार्टले ऑस्किलेटर इज बेसिकली यूज्ड फॉर द जनरेटिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशन। भैया बहुत ही प्यार से आराम से लेके चलते हैं चीजों को। और ये आ गया बेटा आपको क्वेश्चन, जो कि हम लोग क्लास बीटेक फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, कि कौन सा इसमें से मोस्ट एक्यूरेट मॉडल है जो फॉरवर्ड करंट होता है डायोड में, डायोड में जो फॉरवर्ड करंट होता है, पढ़ते हो आप लोग कि हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी केटी केक्यू, तो सब पर जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है इसमें से जो कि परफेक्ट बैठेगा आपका डायोड करंट के लिए, डायोड करंट के लिए इसमें से कौन सा परफेक्ट रिलेशन है जो कि बढ़ना चाहिए, और वो आप लोग बताइए बेटा। आईडी शुड बी इक्वल टू आई एस ई टू द पावर दिस दिस, आपको ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है और बट्टा ये क्वेश्चन दोबारा आने के चांसेस है। तो बट इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इसलिए इसको फॉर्मूले को आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें आपका डायोड करंट क्या है, सैचुरेशन करंट क्या होता है आपका, और आपका केटी क्यू क्या होता है, सब आपको पता होना चाहिए सर। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर इन दिस केस। सो फाइनली यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट द डायोड करंट इज बेसिकली द आईएस टू द ब्रैकेट ई टू द पावर की वीडीटी बाय एनआरटी, दिस इज द राइट आंसर बेटा। बहुत ही फॉर्मूला ये सिंपल है, इससे डेरिवेशन में हम लोग करते हैं बीटेक फर्स्ट ईयर में। सो ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके, डायरेक्टली पूछा हुआ था, और किसी किसी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन टेम्परेचर दे देगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे देगा, चार्ज वैल्यू दे देगा बेटा, और आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द
ECN instrument electrical students के लिए, okay? So this is the next question. ये रहा हमारा बेटा next question. बहुत ही अच्छा question है, बहुत ही simple question है बेटा, और exam में आया हुआ question है. फिर से मैं कहूंगा यहाँ पे सारे question आपको बहुत ही basic मिलेंगे, to the point मिलेंगे, conceptual मिलेंगे बेटा, और exam में आए हुए मिलेंगे. So this is the question number next. For a transmission line, कह रहा है किसी भी transmission line में L by C, R by G. Polytechnic lecturer बेटा, पॉलिटेक्निक लेक्चरर 850 नंबर का आपको टेक्निकल का पेपर देना है, इसलिए ध्यान से बीटेक वाले बच्चों को फिर से मैं कह रहा हूं ध्यान से इसको करिएगा समझदारी से, और बेटा अपने को प्रिपरेशन में लाइन में रखिए, चाहे आप लोग किसी भी स्टेट से आप लोग प्रिपेयर कर बेटा, ओके. सो इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसमें कह रहा है एल बाय सी जो है इक्वल टू आर बाय जी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से ऑप्शन इनकरेक्ट बेटा, ओके. तो याद रखिएगा बेटा, ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है बेटा, आपका दो फैक्टर होते हैं, क्या होता है बेटा, एक एटेन्यूएशन फैक्टर होता है, क्या होता है बेटा, एक एटेन्यूएशन होता है, एक क्या होता है बेटा आपका एटेन्यूएशन होता है, जो कि होता है ये किसकी वजह से होता है बेटा आपका, ये आर और जी की वजह से होता है, ओके सर. तो यहां पे बोल रहा है कि अगर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जो यहां से फॉर्मूला निकलेगा, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाय जी हो जाएगा, ठीक है सर. तो यहां पर देखो, जहां पे आर होगा, जहां पे आर होगा वहां पर जी होगा, तो वहां पर बेटा लॉस ना हो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है. तो हम लोग एक कभी नहीं कहेंगे कि हाँ बेटा ये क्या है, लॉसलेस लाइन, नहीं बेटा ये लॉसलेस लाइन कब होगा, जब आर और सी प्रेजेंट नहीं होता है, उसके समय क्या होता है, सर्ज इंपेडेंस क्या हो जाता है आपका, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस होता है वो सर्ज इंपेडेंस में कन्वर्ट हो जाता है. तो उस केस में हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, इसको लॉसलेस लाइन. लेकिन बेटा जहां पे आर और जी होगा वहां पे वो लाइन लॉसलेस नहीं हो सकती, वहां पे बेटा कुछ ना कुछ पावर लॉस होगा, इसलिए बेटा ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जहां पे आर होगा वहां पे लॉस होगा, तो बेटा हम लोग उसको लॉसलेस लाइन नहीं कहेंगे. आपका लॉसलेस लाइन कब होता है, जब कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जो होता है वो सर्ज इंपेडेंस के बराबर होता है, उस केस में हम लोग आर और जी को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एल बाय सी हो जाता है. तो इस बात को बहुत ही बखूबी से दिमाग में याद रखिएगा, दैट इज इन दिस केस द ऑप्शन इज, दिस इज द राइट आंसर बेटा. और याद रखिएगा, दिस चाहे जेड सी हो या फिर जेड एस हो, दिस आर इंडिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द लाइन, ओके बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांसमिशन लेंथ लाइन बेटा, ओके. चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते सर. दिस इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है. पढ़िए बेटा इसको, पढ़िए. कह रहा है कि भैया मैच करो, चीजों को मैच करिए और फिर उसके बाद आंसर दीजिए. तो इस केस में ध्यान से इसको देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए. कह रहा है यहां पर इंट्रिंसिक इंपेडेंस है, वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपेगेशन है, स्किन डेप्थ है, और बेटा क्या है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट है. तो भैया कह रहा है इसमें से किसको किसको तुम लोग रिलेट करोगे, किसको किसको आप लोग रिलेट नहीं करोगे, ठीक है. तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आपको चाहे दिखे थोड़ा अच्छे से, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं बेटा. ये रहा आपका रिलेशन, और आपको ये मैच करना है. मैच वाले क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं बेटा, इसलिए इसको ध्यान से करिएगा और आंसर देने की कोशिश करें बेटा. व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस बेटा, वेरी गुड. चलिए तो कह रहा भैया इंट्रिंसिक इंपेडेंस हो गया, एक क्या हो गया बेटा आपका, इंट्रिंसिक इंपेडेंस हो गया, वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपेगेशन हो गया, तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा. तो मुझे देखो बेटा, जैसे हमको याद है, अगर मैं देखूं अपने, अगर मैं सोचता हूं यार चलो मैं स्टूडेंट हूं, तो उस स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे याद है यार स्किन डेप्थ जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो मुझे याद है वन बाय क्या होता है, अंडर रूट, अंडर रूट क्या होता है बेटा, वो म्यू एफ पाई सिग्मा, और ये क्या होता है बेटा, ये वन बाय स्किन इफेक्ट बराबर होता है, वन बाय स्किन इफेक्ट के बराबर होता है बेटा. तो मैं कहूंगा कि हाँ भैया जो स्किन डेप्थ है उसका बेटा जो फॉर्मूला है वो ये रहा. तो मैं कहूंगा भैया सी इज इक्वल टू थ्री होगा, तो सी इज इक्वल टू थ्री होगा बेटा. तो ऑप्शन से कैसे आप लोग आंसर निकालते हो, अगर आपको पूरा आंसर नहीं आता तब भी बेटा इसको देखेंगे. तो सी इज इक्वल टू थ्री बेटा कहां पे है, यहां रहा, यहां रहा, तो बी ऑप्शन कट गया और आपका डी ऑप्शन कट गया. इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद देखेंगे आप लोग की और कुछ आपको समझ में आ रहा बेटा, तो उसको और कुछ समझ में आएगा. तो यहां पर देखोगे आप लोग, यहां पर आप लोग देखिए, आपका जो एटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो फॉर्मूला क्या होता है, जो एटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट होता है उसका फॉर्मूला यहां पर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बेटा यहां पे क्या चीज दिया हुआ है, क्या चीज नहीं दिया हुआ है. तो यहां पे बेटा ये देखिए, दिस इज योर एटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट, यहां पे थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा यहां पे फाइव नहीं होना चाहिए, यहां फोर होना चाहिए. दिस इज योर फोर, दिस इज योर फोर बेटा, दिस इज योर फोर, ओके, दिस इज योर फोर बेटा, दिस इज योर फोर, बिकॉज एटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो बेटा होता है दैट इज योर फोर बेटा, दिस इज द एटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट. तो आंसर विल बी इन दिस केस, आंसर विल बी दैट द सी विल बी द
राइट आंसर बेटा सी विल बी द राइट आंसर बेटा। एक आपको अगर फॉर्मूला आता है उससे आप लोग दूसरे से लिंक करके ऑप्शंस के हेल्प से आप लोग क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ऑप्शंस को जरूर देखा करिए ताकि आप लोग सही आंसर पे पहुंच सके बेटा और अपना आंसर को सही कर सको। सो दिस इन दिस केस हमको सिर्फ क्या पता था, स्क्रीन डेप्थ पता था बेटा, उसके हिसाब से हमने बेटा निकाल लिया अपना आंसर। स्क्रीन डेप्थ ये होगा थ्री होगा, तो यहाँ थ्री है और थ्री है बेटा ये फोर है। सो यहां से देखोगे तो आपका जो ए पार्ट है इंस्टिंक्टिव इंपेडेंस होता है बेटा, वो बेसिकली क्या होता है, दैट इज इक्वल टू होता है म्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बेटा। तो यहां से हमने निकाल दिया दिस इज सी इज द राइट आंसर फॉर दिस केस, सी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन बेटा। ओके, तो हर क्वेश्चन को इसे ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें बेटा। ओके, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा भैया कि दिए हुए सर्किट में, आपको दिए हुए सर्किट में बताना है सर, इस सर्किट में जो दिया हुआ है, कह रहा है कि भैया इस सर्किट में स्टडी स्टेट में, कह रहा भैया स्टडी स्टेट में इस सर्किट में क्या होगा करंट की वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल करंट, कह रहा है भैया जो आई है उसकी वैल्यू क्या होगी स्टडी स्टेट में। जल्दी बताइए, इसमें तो ऑप्शन की जरूरत है नहीं बेटा, इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, तो बताइए बेटा आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर। चलिए वेरी गुड, व्हाट विल द आंसर इन दिस केस, व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस। तो ध्यान से देखो बेटा, हमने पढ़ा हुआ है कि स्टडी स्टेट में जो आपका इंडक्टर होता है वो कैसे बिहेव करता है एज अ शॉर्ट सर्किट स्टडी स्टेट में, और आपका जो कैपेसिटर होता है वो कैसे बिहेव करता है बेटा स्टडी स्टेट में एज अ ओपन सर्किट। भैया यहां बताइए, ये आपका स्टडी स्टेट में पूछ रहा है इसमें करंट क्या होगा, तो स्टडी स्टेट में ये रहा इंडक्टर, तो इंडक्टर क्या हो जाएगा बेटा शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर ये शॉर्ट हो गया बेटा, अगर ये शॉर्ट हो गया तो यहां से करंट फ्लो कराओगे तो वो करंट कहां जाएगा बेटा, इसमें जाएगा, कुछ पार्ट इसमें जाएगा बेटा और कुछ पार्ट इसमें जाएगा सर। तो यहां से देखिए आपका ये वाला जो आर है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा सर। तो आपको देखोगे यहां बेटा, इसको इसको इंक्लूड करोगे तो ध्यान से देखिए आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है पैरेलल में है, तो इसका आंसर निकालोगे तो वन पैरेलल वन करोगे तो इसका आंसर क्या बेटा, वन पैरेलल वन करोगे तो इसका आंसर क्या जाएगा 0.5। तो आपका आर कितना आ गया 0.5 बेटा, आपका आई कितना निकल जाएगा, आई इक्वल हो जाएगा वी बाय आर, तो 5 बाय 0.5 तो ये आंसर कितना आएगा 10 एम्पियर। सो आंसर विल बी योर 10 एम्पियर। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर आपको क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, प्यार से करना बेटा और सीखते हुए करना है, द आंसर विल बी नॉट 5। बच्चे मैक्सिमम बच्चे इसमें आंसर लेके आए थे 5, लेकिन याद रखिएगा बेटा छोटी सी गलती सारा खेल बिगाड़ देगी बेटा। यहाँ पे ये देखिए ये जो पार्ट है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब स्टडी स्टेट यहाँ पे शॉर्ट हो गया तो जो सारा करंट है वो यहां से जाते हुए यहां जाते हुए यहां जाएगा बेटा और यहां चला आएगा, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगी सर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 10 एम्पीयर विल बी द राइट आंसर बेटा। ओके, आई थिंक आप लोगों का आंसर सही आ गया बेटा। तो कुछ बच्चों का आंसर आया है 5, तो बेटा उन सबको मैं बता देता हूं गोविंद बेटा कि आप लोग इसको ध्यान से देखिए तो आप लोग का आंसर जो आएगा बेटा इसमें क्या आ जाएगा, दैट विल बी योर, दैट इज योर हाउ मच, दैट इज योर 10 एम्पीयर। ओके, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे तो आप लोग को गलती नहीं होगी सर। ओके, आई थिंक बात समझ में आ गई, अगर बात समझ में आ रही है दिखाइएगा, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थम दिखाइएगा सभी लोग, अगर आप लोग को समझ में आ रही चीजें थम दिखाइएगा। ओके, चलिए वेरी गुड। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम इसको हटा देते हैं, मान लीजिए बेटा इसी क्वेश्चन में हम इसको हटाते हैं, हम यहां पे लगा दिए सी, यहां पे क्या लगा दिया बेटा सी, सारा क्वेश्चन सेम है बेटा। मैंने फिर कहा बेटा आपसे, हमारे एग्जाम चेक द सीरीज में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन ही कराते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए हमने यहां पर लगा दिया सी, सी इज इक्वल टू 2 फैरेड, इस केस में स्टडी स्टेट में यहां पे जो आपका करंट आएगा वो क्या आएगा बेटा, अब बताइए, क्योंकि एग्जामिनर बेटा वो क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है, इसलिए हर कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलिए। मान लीजिए वहां सी लगा हुआ है और मैं पूछ दिया कि भैया स्टडी स्टेट में जो करंट होगा इसमें वो क्या होगा, तो बेटा आपको ये चीज आनी चाहिए। सो जल्दी बताइए बेटा, तो जल्दी इसका आंसर बताइए बेटा, व्हाट विल द आंसर, व्हाट विल द आंसर इन दिस केस, वेरी गुड। चलिए तो क्या होगा बेटा आंसर, व्हाट विल द आंसर इन दिस केस, यहां पे स्टडी स्टेट में इस केस में यहां पे जो करंट होगा आई वो क्या होगा, टोटल करंट आई जो होगा बेटा यहां पे स्टडी स्टेट में वो क्या होगा सर, व्हाट विल बी द करंट बेटा, व्हाट विल बी द करंट। तो स्टडी स्टेट में भी बता बेटा, मैं आपको बताया, फिर से कह रहा हूं बेटा हर कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलिए, यहां पे सिर्फ आपको ध्यान देना है कि वो कोई भी क्वेश्चन घुमाएगा तो आपको आना चाहिए। देखो बेटा यहां पर क्या मैंने अभी कहा, स्टडी स्टेट में जो कैपेसिटर होता है वो कैसे बिहेव करता है एज अ ओपन सर्किट बेटा, और आपका इंडक्टर कैसे बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट। भैया आपका यहां कैपेसिटर दिया हुआ है तो ये कैसे बिहेव करेगा एज अ ओपन सर्किट स्टडी स्टेट में, ये ओपन सर्किट द्वारा बिहेव करता है। तो बेटा यहां से जो करंट आएगी, यहां से
जो करंट चलेगी वो इसमें जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी बेटा, इसमें जाएगी, इसमें नहीं जाएगी, बिकॉज यहाँ ओपन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आई डैश क्या यहाँ पे जीरो हो जाएगा सर। तो आपको इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा और इसको भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये सर्किट ऐसे बन जाएगा, दिस इज योर वन, दिस इज योर बेटा टू। तो आपका जो आर निकल के आएगा, आर कितना आएगा, वन टू या टू, तो कितना आ गया टू बाय थ्री। तो आपका आर कितना बेटा टू बाय थ्री आ गया सर, बस काम खत्म। तो आई कितना आ जाएगा, आई हो जाएगा बेटा क्या, वी फाइव बाय क्या बेटा टू बाय थ्री सर। और यहां से करोगे ये हो जाएगा 15 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 7.5 एम्पीयर। बेटा इस तरह से क्वेश्चन अगर आ गया तो प्लीज ध्यान से, प्यार से, आराम से क्वेश्चन करिएगा, टेंशन नहीं लेना, बस ध्यान रखिए स्टडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव एज अ ओपन सर्किट और इंडक्टर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, उन दोनों ही केस के लिए आपका मैंने क्वेश्चन यहां कर दिया है। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो सकता है, सो हमेशा इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और सीखो बेटा, सीखने पे ज्यादा ध्यान रखिए, और क्वेश्चन तो बेटा सिलेक्शन तो अपने आप लोग लेके चले आओगे। ओके, तो यहां पे कह रहा भैया क्या ये है क्या से भाई साहब, डीसी डीसी बक बूस्ट कन्वर्टर। भैया डीसी डीसी बक बूस्ट कन्वर्टर आ गए हैं, तो यहां पे कुछ पूछ रहा है, उसको पूछने से पहले मैं बता देता हूं, एक होता है बक कन्वर्टर, एक क्या होता है आपका बक कन्वर्टर, एक क्या होता है आपका बूस्ट कन्वर्टर होता है बेटा। ये क्या है बेटा, ये आपका क्या है, चॉपर है। चॉपर क्या होता है, चॉपर होता है क्या बेटा आपका, दिस इज योर चॉपर इज नथिंग बट योर डीसी डीसी कन्वर्टर। तो हर चीज को ध्यान से याद रखिए, हर पॉइंट को यहीं पे लिखवा देता हूं मैं, एक होता है बक, एक होता है बूस्ट, एक क्या होता है बेटा आपका बक बूस्ट। ओके, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो तीनों को ध्यान से याद रखेंगे। बक क्या होता है, ये आपका स्टेप डाउन, ये क्या होता है स्टेप डाउन चॉपर होता है। ये क्या होता है बेटा बूस्ट, बूस्ट मतलब क्या आप, मतलब क्या हो जाएगा, ये स्टेप अप चॉपर होता है। ये क्या होता है बेटा आपका स्टेप अप चॉपर होता है। और इसमें बता क्या होता है आपका, दोनों ही हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो ये आपका बक बूस्ट कन्वर्टर बन जाता है। तो यहां पे देखिए बेटा, यहां पे क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है, डी टाइम द इनपुट वोल्टेज। यहां पे डी क्या बेटा, दिस इज योर ड्यूटी साइकिल, दिस इज योर ड्यूटी साइकिल। यहां पे बूस्ट में क्या होता है, आपका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है आपका वन बाय वन माइनस डी टाइम द इनपुट वोल्टेज। यहां पर डी क्या है, ड्यूटी साइकिल। और बक बूस्ट में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ड्यूटी साइकिल बाय वन बाय ड्यूटी साइकिल इनटू वी इनपुट। याद रखिएगा बेटा, तीनों फॉर्मूले पूछ सकता है, किसी भी एंगल से कुछ भी पूछे आपको, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। इसको ध्यान से रिवाइज करते हुए चलिए कि हाँ यार दोबारा ये दिख जाएगा तो इसको गलत नहीं करेंगे। और बेटा हमने यहां पर लिख दिया है, तो इसको ध्यान से आप लोग सॉल्व कर सकते बेटा। ओके, तो यहां से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हाँ भैया हमको बक बूस्ट और बक बूस्ट कन्वर्टर का जो फॉर्मूला है वो हमने यहां पर देख लिया सर। तो यहां से आपसे बेटा बक बूस्ट कन्वर्टर के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ड्यूटी साइकिल दिया है 0.6, आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है कितना होगा, तो बेटा आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहां से आउटपुट हो जाएगा सर आपका डी कितना 0.6 और 0.4 इंटू क्या बेटा आपका 50। तो यहां से कितना है बेटा आपका, यहां से सॉल्व कर लेंगे इसको और हम लोग आंसर निकाल लेंगे। जो भी आपका आंसर आएगा वो आप लिख दोगे, आंसर इज व्हाट, आंसर विल बी 75 वोल्ट। ओके बेटा, 75 वोल्ट विल द आंसर। और मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया, लेट अस सपोज मैंने इसी में लिख दिया, ये क्या है डीसी डीसी क्या बेटा आपका, ये दिस इज योर बूस्ट कन्वर्टर, ये क्या बेटा आपका बूस्ट कन्वर्टर है। उस केस में आंसर क्या होगा, अगर मैं बोल दूं कि डीसी डीसी क्या है, बूस्ट कन्वर्टर है, उस केस में आंसर क्या होगा बेटा, व्हाट विल द आंसर इन दिस केस। ध्यान से प्यार से बेटा, और आई थिंक आज अभी आज पहला दिन है तो बच्चे सो रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बट ध्यान से याद रखिएगा, आप थोड़ा सा अपना हैबिट स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करने का, बिकॉज एग्जाम्स बहुत सारे हैं और आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चीजों को लाइक शेयर करते रहिएगा बेटा, अभी बच्चे उठ नहीं पाए हैं तो आप लोग इसको अच्छे से सब जगह लाइक मत करिए, चलिए शेयर कर दीजिए और बेटा जल्दी जल्दी से कोशिश करिए। इस केस में बताइए कि भैया आपका अगर ये बूस्ट कन्वर्टर है उस केस में आंसर क्या आएगा बेटा, अगर मैंने कह दिया ये बूस्ट कन्वर्टर है तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा बेटा, व्हाट विल द आंसर इन दिस केस व्हेन इट इज बूस्ट। चलो बूस्ट है तो ध्यान रखिए बेटा, अगर बूस्ट है तो कैसे क्वेश्चन करोगे, बूस्ट है मतलब क्या हुआ, ये स्टेप अप हो गया, ये क्या हो गया बेटा स्टेप अप हो गया। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, बूस्ट मतलब क्या, अब ये इनपुट वोल्टेज है तो बूस्ट मतलब क्या होगा, इससे ज्यादा ही आएगा, इससे वोल्टेज ज्यादा ही आएगा, तो भैया ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। देखो आपने आपने बस थोड़ा सा चीजें सोची और दो ऑप्शन काट दिया, दो ऑप्शन काट दिया बेटा, और दो ऑप्शन काट दिए तो बेटा आपका आंसर क्या होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ऐसे आप लोग ऑप्शन एग्जाम में काटिएगा, तो यहां पर तो बेटा चलो नहीं आएगा ऑप्शन आपका, लेकिन वहां पर एग्जाम में दिया होगा तो एग्जाम में चेक करना कि हाँ यार बूस्ट मतलब क्या हो जाएगा, स्टेप अप होता है, तो भैया हमारा जो वोल्टेज होगा इनपुट वोल्टेज ज्यादा ही होगा, तो जो आपको कम दिखे उसको तुरंत काटो क्योंकि वहां पे समय नहीं होता है। और आप लोग ऐसे भी आप लोग का ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे और आप लोग सॉल्व कर लोगे। ओके, तो इस केस में आप लोग करोगे तो यहां पे क्या जाएगा बेटा 50 बेटा 1/6 0.6, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको बेटा आपका आंसर निकल के चला आएगा
व्हाट विल बी द आंसर, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे सर और आप लोग का आंसर आएगा सर, जो भी आंसर आएगा वो आपका ज्यादा ही आएगा 50 से, सो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा सर, ओके। चलिए वेरी गुड, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना बेटा, और इसी तरह जब भी आप लोग याद रखोगे, मान लो यहाँ आपको बग देता है उस केस में याद रखिएगा, जो भी इनपुट वोल्टेज होगा आपको जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो लेस देन 50 ही आएगा, सो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही बखूबी से कर सकते हो बेटा, ओके। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से इसको पढ़िए और एग्जाम आंसर देने की कोशिश करिए बेटा। तो यहां पे कह रहा है भैया कछु है, दिया हुआ है थायरेस्टर, जैसे ही माइंड में थायरेस्टर आए, बोले थायरेस्टर, तुरंत वहां पे आपके माइंड में बनना जाना चाहिए सर क्या, पीएन पीएन जंक्शन बेटा, क्या पीएन पीएन, बहुत ही प्यार से इसको बना लिया करिए, मतलब कि आपको माइंड में चलना चाहिए, आप बनाया मत करिए, आप लोग माइंड में चलना चाहिए, हाँ भैया पीएन पीएन जंक्शन है, मतलब क्या है आपके चार लेयर है, फोर लेयर बेटा, तीन जंक्शन बेटा, और यहाँ पे गेट होगा, यहाँ पे क्या होगा सर आपका, यहाँ पे गेट होगा सर, तो यह क्या है एनोड कैथोड और गेट सर, मतलब तीन टर्मिनल हो गए, क्या होगा बेटा यहाँ पे तीन टर्मिनल हो गए बेटा। उसके बाद बेटा ये क्या है सेमी कंट्रोल स्विच है, ये क्या बेटा आपका सेमी कंट्रोल स्विच है, सेमी कंट्रोल मतलब क्या होता है, आप क्या क्या है ऑन कंट्रोल कर सकते हो, इसको ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकता गेट से बेटा क्या होता है आपका ऑन कंडीशन कंट्रोल होगी, कंडक्शन कंट्रोल होता है आपका, ऑफ स्टेट नहीं कंट्रोल होता है। ये छोटी चीजें हैं आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए जब आपका थायरेस्टर आप लोग कहीं भी देखते हो तो बेटा, ओके। तो यहां कह रहा है कि क्या करें हम लोग, क्या करना चाहिए ताकि जो हमारा करंट है इसके अंदर वो कंडक्शन मोड में आ जाए, तो भैया वो जो करंट होनी चाहिए, मिनिमम करंट जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम जो एनोड करंट होनी चाहिए आपके थायरेस्टर में वो कितनी होनी चाहिए कि आपका जो थायरेस्टर है वो ऑन स्टेट में चला जाए, वो क्या हो जाए बेटा ऑन स्टेट में चला जाए बेटा। तो याद रखिएगा आपके पास दो करंट होती है, एक होती है लैचिंग करंट और एक होती है बेटा क्या होल्डिंग करंट, तो हमेशा याद रखिएगा इट इज द मिनिमम करंट, जो लैचिंग करंट होती है भी क्या होती है मिनिमम करंट होती है, और ये भी क्या होता है बेटा ये भी मिनिमम करंट होती है। मुझे याद है मेरा इंटरव्यू था, ठीक है, जब मेरा एमटेक था आईआईटी में गया, मेरा इंटरव्यू था, वहां पे होता है ना बेटा सिस्टम, तो वहां पे उसने पूछा था कि व्हाट इज द लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट में डिफरेंस, मतलब बताया था, तो वहां पे एक बच्चे ने मुझे याद है बता दिया था लैचिंग करंट इज द मैक्सिमम करंट, दोनों याद रखिएगा चाहे लैचिंग हो चाहे होल्डिंग हो दोनों ही क्या होता है मिनिमम करंट होता है। तो हमेशा याद रखिएगा डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द मिनिमम करंट लैचिंग के लिए विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द थायरेस्टर इन द कंडक्शन मोड, ये क्या बेटा आपका ऑन स्टेट के लिए मिनिमम करंट चाहिए और ये ऑफ स्टेट के लिए मिनिमम करंट चाहिए। याद रखिएगा लैचिंग करंट आपका क्या है हमेशा होल्डिंग करंट से ज्यादा होता है बेटा, और ये इज द मिनिमम करंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द थायरेस्टर टू कम इनटू द कंडक्शन मोड बेटा। तो याद रखिएगा द आंसर विल बी व्हाट बेटा इन दिस केस, इस केस में सर आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द सी इज द राइट आंसर बेटा, ओके। तो ये सब बेटा क्या है, ये सारे क्वेश्चन बेटा देखिए दीपक, ये सारे क्वेश्चन क्या है यूपी आर्मी और यूपी आर्मी एजे के मिक्स है आपको, इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से करिए, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इसको प्रॉपरली ध्यान से प्यार से पढ़िए, क्वेश्चंस देखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए बेटा और इसको आ जाए एग्जाम में। अब देखो बेटा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कॉन्सेप्ट पे आएगा, रटा रटा नहीं आता है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा हूं उसको सीखते चलिए और आंसर्स को देते चलिए बेटा, ओके। चलिए सो आई थिंक सभी का आंसर आ गया होगा, द आंसर इन दिस केस विल बी व्हाट बेटा, दिस विल बी द लैचिंग करंट, ओके। चलिए आगे देखते बेटा, ये रहा क्वेश्चन, इसको थोड़ा देर में करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको करते हैं, पहले बेटा क्या करते हैं इसको करने की कोशिश करते हैं बेटा, व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, ये क्वेश्चन बेटा आपका यूपी आर्मी में आया हुआ है, यूपी आर्मी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके यूपी आर्मी में आया बेटा। अब ऐसा नहीं है कि हाँ यूपी आर्मी में आ गया तो ये कहीं और नहीं आएगा, तो क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए बेटा, ओके। चलिए व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, What is the answer in this case? What is the answer in this case? What will be the answer in this case? चलिए very good. ध्यान से प्यार से करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ है नहीं बेटा, सिंपल करेंगे सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं बेटा यहां दिया हुआ है, आपको पता है जो IQ होता है दैट इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, आपको डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए थी, क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां पे दो वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है एक ये वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा यहां पे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट बेटा। ये यूपीआरएल में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन दोबारा किसी एग्जाम में आते हैं तो ऐसा मत सोचना कि नहीं ये यहां पे आया तो वहां पे नहीं आ सकता, हर जगह कहीं पे भी आ सकता है, इसलिए क्वेश्चंस को प्रॉपरली करेंगे सर। यहां पे क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, क्या हो जाएगा बेटा कॉस
4 पाई टी इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 4 पाई प्लस यहां पर क्या जाएगा सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट करोगे तो क्या बेटा आपका दिस विल बी योर 5। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ बेटा दिस विल बी योर 5 फोर 20 पाई टी कॉस 4 पाई टी प्लस क्या बेटा 5 साइन 4 पाई टी। ये बेटा आपका आ जाएगा बेटा दिस इज योर आई। और बेटा यहां पे टी की वैल्यू रख दोगे, कहां पूछ रहा है टी इज इक्वल टू किसे पूछ रहा है बेटा आपका 0.5 पे पूछ रहा है, 0.5 पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा सर। यहां पे 0.5 पुट करोगे तो यहां पे 0.5 पुट करोगे और यहां पुट करोगे ये तो 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0 और यहां पुट कर दोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा बेटा वो अप्रोक्स जो भी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम से आपका यहां पे देख लोगे और यहां पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अराउंड 31.4 एम्पियर। ओके दिस इज द करंट विच विल गोइंग टू कम एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आप लोगों को ध्यान से आपको डिफरेंशिएशन भूलना मत, यहां पे मेन खेल क्या है डिफरेंशिएशन का बेटा। ओके सो द आंसर इज ए विल बी द राइट आंसर बेटा, ए विल बी द राइट आंसर बेटा। ओके चलिए वेरी गुड, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करते रहिएगा बिकॉज हर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, दोबारा आने के चांसेस बहुत है बेटा, इसलिए क्वेश्चंस को प्यार से ध्यान से आराम से करते हुए चलिए बेटा। ओके तो एक ये क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन ये है बेटा ऑप एम्प का है, तो जैसे ही ऑप एम्प दिखे बेटा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, व्हाट इज द आंसर इन दिस केस। ओके व्हाट इज द आंसर फॉर दिस केस बेटा, व्हाट इज द आंसर इन दिस केस। ओके वेरी गुड, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर दिस ऑप एम्प। आराम से ध्यान से देखिए बेटा, फिर से यहां पे क्वेश्चन में क्या आता है, यहां पे देखिए ये ऑप एम्प में एक चीज आता है, टर्म आता है वर्चुअल ग्राउंडिंग। क्या आती है बेटा आपका वर्चुअल ग्राउंड आता है, कॉन्सेप्ट आता है। इसमें क्या होता है जो आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जिसको बोलते हैं बेटा, क्या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, तो जो आपका वोल्टेज यहां पे होगा वही वोल्टेज यहां पे हो जाता है। यहां पे वोल्टेज कितना बेटा आपका 0 है, यहां वोल्टेज 0 है बेटा, तो यहां वोल्टेज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, यहां वोल्टेज कितना आ गया 0 आ गया, बस इतना इस डायग्राम को देख के हमने ये निकाल लिया कि भाई यहां पे जो ड्यू टू द वर्चुअल ग्राइंडिंग इफेक्ट वी कैन से दैट द वोल्टेज ओवर हियर इज 0 वोल्ट। ठीक है सर, इसके बाद हमने क्या करेंगे यहां पर बेटा, हम लोग क्या लगाएंगे जो भी लगाना होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ओपन लूप गेन इनटू जो बैंडविड्थ है उसकी जो वैल्यू उसने दिया हुआ है उसकी वैल्यू कह रहा है कि है भैया कितना 10,000 है, कितना है 10,000 है। तो कह रहा है भैया कि बैंडविड्थ क्या होगा, तो भैया बैंडविड्थ जो निकालोगे कैसे आएगा बेटा आपका, दैट इज योर 10,000 इनटू क्या बेटा गेन, और जो गेन होता है बेटा वो क्या होता है, जो गेन होता है वो क्या होता है आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। तो हमको बेसिकली चाहिए रेशियो चाहिए आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज का, तो हमको यहां पे वोल्टेज पता है, यहां वोल्टेज पता है, यहां वोल्टेज पता है, तो यहां पे केसीएल लगा दो, यहां पे बेटा केसीएल लगा दो, तो केसीएल से यहां करंट आउटवर्ड ले लो, सब में करंट आउटवर्ड ले लीजिए बेटा, तो यहां पे केसीएल लगाओ तो क्या आ जाएगा बेटा दिस विल बी योर हाउ मच 0 माइनस वी इनपुट अपॉन क्या बेटा 20 के प्लस क्या बेटा यहां पे 0 माइनस वी नॉट बाय व्हाट 100 के, और इसमें बेटा करंट जाएगा, इसमें करंट कितना होगा 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इनपुट इंपेडेंस होता है आपका ऑप एम्प का वो इनफाइनाइट होता है, तो इसमें जो करंट हो जाएगा वो 0 होगा। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग निकालते हैं। तो यहां इसको सॉल्व करेंगे, तो जो भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के चलाएगा बेटा, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं यहां पे, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन ओवर हियर, यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा बेटा, यहां से देखो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 0 माइनस वी, यहां से हो जाएगा वी इनपुट माइनस इस विल बी माइनस वी इनपुट बाय 20 के अपॉन क्या बेटा ये वी नॉट बाय क्या बेटा आपका 100 के। तो यहां से सॉल्व करोगे, यहां बेटा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो भी आएगा वो आप लोग पुट कर दोगे और आपका आंसर निकल के जाएगा बेटा। ओके सो आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे और यहां पर यहां से बेटा क्या करेंगे, यहां से जो भी क्वेश्चन आपका आंसर आएगा उसको यहां पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो जल्दी से इसका आंसर निकालिए और आंसर दही बेटा। सो व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, यहां से बेटा इसको काट दोगे, यहां से यहां कट जाएगा बेटा, यहां से ये कट जाएगा और वैल्यू क्या आएगी, जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, लेकिन हमको भैया वैल्यू हमको बस चाहिए, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे और यहां पे क्वेश्चन को रख देंगे। सो आंसर विल बी व्हाट बेटा, व्हाट विल बी द आंसर आप लोग उसको लिख लेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, यहां पे आपको बस एक ही चीज पूछा है, यहां पे आपको बस कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना था वर्चुअल ग्राउंड का, उसको मतलब यहां पे 0 होगा तो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और वर्चुअल ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को कर लोगे। क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन इसलिए बेटा क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, आए हुए हैं,
वो बेसिकली क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है कि हाँ आई क्या होता है, वी क्या होता है, ये आपके जितने भी आने वाले एग्जाम से उसमें थोड़ा सा लेवल आप लोग अच्छा रखना पड़ेगा, और इसलिए सारे क्वेश्चन आपके हम लोग करा रहे हैं। ओके चलिए, वेरी गुड। तो यहां से आगे बढ़ते बेटा, यहां से अब आगे बढ़ते बेटा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नेक्स्ट। इन द एक्टिव रीजन, कह रहा है कि भैया एक्टिव रीजन में जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें आपका जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है और बेटा आपका क्या होता है इमिटर बेस जंक्शन होता है, वो किस रीजन में होता है, फॉरवर्ड बायस रीजन में होता है कि आपका रिवर्स बायस रीजन में होता है, जिसे हम लोग पढ़े हुए बेटा, बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, दोबारा से इसको हमने देख ले रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो आपको बेटा ये आना चाहिए बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल द आंसर इन दिस केस, व्हाट विल बी द आंसर इन दिस बेटा, क्या होगा बेटा आंसर, जल्दी बताइए बेटा। वेरी गुड, ओके ओके, वेरी गुड, यस, सो हाँ बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक्टिव रीजन में क्या होता है बेटा, एक्टिव रीजन में क्या होता है आपका इमिटर बेस क्या होता है, फॉरवर्ड बेस होता है, क्या होता है बेटा आपका इमिटर बेस फॉरवर्ड बेस होता है, और आपका कलेक्टर बेस क्या होता है रिवर्स बेस होता है। आंसर क्या बेटा इस केस में, आंसर क्या है बेटा फॉरवर्ड और रिवर्स हो जाएगा सर, यहां पर आंसर क्या है बेटा आपका, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द क्या दिया बेटा, अच्छा पहले कलेक्टर बेस दिया, तो यहाँ पे बेटा कलेक्टर बेस दिया है, दिस इज योर कलेक्टर बेस दिया पहले बेटा, जो यहाँ पे ये क्या, ये किसका है, ये आपका एमिटर बेस, ये क्या बेटा आपका एमिटर बेस है, दिस इज योर कलेक्टर बेस, तो यहाँ पे पहले से पूछा हुआ है, देखिए बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया उसने, पहले कलेक्टर बेस पूछ लिया है, तो बच्चे क्या करेंगे इस तरह से सिक्वेंस याद रखते हैं उल्टा जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या है बेटा, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, कलेक्टर बेस क्या होता है आपका रिवर्स बेस होता है, और आपका एमिटर बेस क्या होता है फॉरवर्ड बेस होता है, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, ओके। लेकिन मान लो बेटा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि भैया यहाँ पे मान लो एक्टिव रीजन की जगह मैंने लिख दिया सैचुरेशन रीजन, क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे एक्टिव की जगह लिख दिया बेटा आपका सैचुरेशन रीजन, उस केस में आपका आंसर क्या आएगा बेटा, अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया सैचुरेशन रीजन, उस केस में यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, इस केस में यहाँ पे आंसर कितना आएगा बेटा, व्हाट विल आंसर, अगर मैं यहाँ पे सैचुरेशन रीजन लिख दूंगा, इन द सैचुरेशन रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर कलेक्टर बेस और इमिटर बेस जो होता है वो कैसा होता है बेटा आपका, किसमें बेटा सैचुरेशन रीजन में, सैचुरेशन रीजन में कैसा था बेटा, जल्दी बताइए, ये सारे क्वेश्चन बेटा आ सकते हैं दोबारा से, इसलिए बहुत ही प्यार से अच्छे से समझ के करिए और आंसर देने की कोशिश करिए बेटा। इस केस में आंसर क्या होगा बेटा, एक होता है बेटा सैचुरेशन रीजन और क्या था बेटा आपका कट ऑफ रीजन, इसी में क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक होता है बेटा कट ऑफ रीजन और क्या होता है सैचुरेशन रीजन और क्या होता है आपका दिस योर एक्टिव रीजन, तो बेटा सैचुरेशन रीजन में भी क्वेश्चन आ चुका है, कट ऑफ रीजन पे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या होगा, सैचुरेशन रीजन में क्या होता है आपका दोनों ही जो आपके बायसिंग होती है वो फॉरवर्ड बायसिंग होती है, और कट ऑफ रीजन के लिए भी क्या होता है बेटा, कट ऑफ रीजन के लिए क्या होगा आपका, सभी लोग बताइए बेटा कट ऑफ रीजन के लिए, तो हमेशा याद रखिए बेटा आपका सैचुरेशन रीजन फॉरवर्ड होता है और कट ऑफ रीजन के लिए दोनों ही बायसिंग क्या होती है रिवर्स बायसिंग होती है बेटा, क्या होती है बेटा दोनों ही रिवर्स बायसिंग होती है, तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन में समझा रहे हैं बिकॉज सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कट ऑफ रीजन दिया होगा, यहाँ पे दिया होगा कट ऑफ रीजन, पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, तो उसके आंसर क्या होगा बेटा रिवर्स बायस होगा, अगर सैचुरेशन रीजन दिया होगा तो ये आंसर होगा बेटा सैचुरेशन के लिए आंसर ये होगा, और बेटा आपका जो रिवर्स ये किसके लिए बेटा आपका दिस इज फॉर योर कट ऑफ, दिस इज फॉर योर एक्टिव रीजन, दिस इज फॉर योर एक्टिव रीजन, ओके। तो हर चीज को एक ही क्वेश्चन से तीन चार क्वेश्चन को समझो ताकि बेटा एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो बेटा, ओके चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये कह रहा है दिस इज द क्वेश्चन, कह रहा है कि सिस्टम है, कोई सिस्टम है आपका जिसमें आपको दिया हुआ है ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, तो कह रहा है भैया इस केस में बताइए मुझे कि इसका जो ये कैसा सिस्टम होगा, ये इसका जो डैम्पिंग रेशियो पूछ रहा है, डैम्पिंग रेशियो पूछा बेटा, तो अनडैम्प क्या होता है बेटा, अनडैम्प जो होता है अंडरडैम्प होता है, यहाँ पे जीटा की वैल्यू क्या होती है अंडरडैम्प में लेस देन वन होती है, क्रिटिकल डैम्प में क्या होती है जीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन होता है, और सर ओवरडैम्प में क्या होता है जीटा क्या होता है आपका ग्रेटर देन वन होता है, और सर यहाँ पे आपका अनडैम के लिए बताइए सर यहाँ पे क्या होता है दिस इज योर टाइज जीरो, ओके चलिए, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए बेटा कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर इन दिस बेटा, व्हाट विल बी द आंसर, ध्यान से प्यार से देखोगे तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा ये क्या है आपका एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं कंपेयर करते हैं बेटा, है ना, इसको ये हमारा क्या है सेकंड ऑर्डर का हमारा जो होता है क्या होता है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है बेटा, तो यहां से आप लोग कंपेयर करोगे तो ओमेगा एन स्क्वायर कितना आएगा दिस विल बी योर नाइन, तो यहां से ओमेगा एन कितना बेटा आपका दिस विल बी योर थ्री, ओके, और यहां से टू जीटा ओमेगा एन, टू जीटा ओमेगा एन कितना दिया हुआ है कंपेयर करोगे तो कितना बेटा आपका सिक्स है, तो यहां पे ओमेगा एन क्या रख दो
ओमेगा रख दो बेटा क्या यहाँ पे थ्री, तो यहां से बेटा आपका जो जीटा आएगा वो कितना आएगा बेटा वन आएगा। इट मीन सर आपका जो ये सिस्टम है वो क्या है क्रिटिकली डैम्प। तो याद रखिएगा आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि यहाँ ओवर डैम्प में जीटा की वैल्यू क्या होगी, क्रिटिकल डैम्प में कितना होगा, अनडैम्प में कितना होगा, तो सारे क्वेश्चन बेटा आए हुए एग्जाम में है, तो आप लोग को चीजें याद रखनी चाहिए कि भैया क्रिटिकल डैम्प में क्या होता है आपका जीटा जो होता है वो क्या होता है वन के बराबर होता है। तो इसको याद रखिएगा। अब जिसको मान लो किसी को पता ही नहीं है कि हाँ यार क्रिटिकल डैम क्या होता है, अनडैम्प में क्या होता है, जीटा की वैल्यू ओवर डैम्प में क्या होता है, तो फिर ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ जो जीटा की वैल्यू है डैम्पिंग रेशियो की जो वैल्यू बेटा वो क्या होती है आपकी अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या है से डिफाइन है। तो ये बेटा देखिए आपको डिफिनेशन याद रखनी है। और फिर से मैं कह रहा हूं बेटा चीजों को बहुत ही अच्छे व्यू में लेके चलिए, बिकॉज सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और दोबारा से पूछे जा सकते हैं बेटा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये रहा एक अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग करिए, ध्यान से करिए बेटा और अच्छे से दिमाग लगा करिएगा बेटा। ओके चलिए वेरी गुड। सभी लोग करिए बेटा, सभी लोग आंसर दीजिए इसका। व्हाट इज द आंसर इन दिस, ओके चलिए व्हाट इज आंसर इन दिस केस। चलिए वेरी गुड, इस केस में आंसर कितना होगा बेटा, ओके वेरी गुड। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन को फिर से देख रहे बेटा, क्वेश्चन पढ़ा करिए, क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। जो आप लोग सोचे रहते हो जो इधर रेक्टिफिकेशन होता है कि हाँ आपको पॉजिटिव सीक्वेंस में ये होता है नेगेटिव सीक्वेंस में ये होता है, वो डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछ रहा है कि कह रहा है कि जो सीक्वेंस है वो क्या बेटा आपका ए सी बी है। क्या बेटा सीक्वेंस ए सी बी, मतलब कि पहले ए आएगा, फिर क्या बेटा सी आएगा, फिर क्या बेटा बी आएगा, ठीक है। ये है आपका सीक्वेंस, तो इसको तुरंत बना लिया आपने। ये है क्या बेटा, ये क्या है, दिस इज योर फेज वोल्टेज, ये है क्या बेटा आपका फेज वोल्टेज, ये क्या बेटा आपका ये फेज वोल्टेज है, ओके सर। चलिए अब कह रहा है कि एसी क्या होगा, जो लाइन वोल्टेज होगा जो ए और सी के बीच में जो लाइन वोल्टेज होगा वो क्या होगा। आपको उसने फेज वोल्टेज दिया, आपको उसने यहां पे आपको क्या दिया हुआ यहां बेटा फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज दिया, दिस इज योर वीएस वीएन दिया हुआ, दिस इज योर वीएन फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होगा, यहां पर दिया आपको वीएन जो है वो आपको दिया हुआ है 10√3 एंगल नहीं, इन फेज सीक्वेंस फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज इज इतना, हाँ इज योर 10√3 एंगल 50 डिग्री। तो पूछ रहा है लाइन टू लाइन वोल्टेज इज गिवन बाय व्हाट, तो लाइन टू लाइन वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा सर वो आपसे पूछ रहा है बेटा, लाइन टू लाइन वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा सर वो आपसे पूछ रहा है बेटा। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर दे सकते हो बेटा, ओके। यहाँ पे इस हमारे जो टेक्नीशियन साहब हैं उन्होंने थोड़ी गलती कर दी है, हमारे टेक्नीशियन साहब हैं उन्होंने थोड़ी गलती की है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको रीचेक कर दे बेटा, यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। हमको पता है बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने इसको थोड़ा गलती कर दी, यहाँ पे ये क्या है वी ए एन दिया हुआ आपको 10 एंगल 20 डिग्री दिया, ये क्या आपका 10 एंगल 20 डिग्री है बेटा। ये कह रहा है कि भैया बताइए कि हाँ इस अगर हमारा जो फेज वोल्टेज है वो इतना है तो हमारा जो एसी लाइन वोल्टेज होगा वो कितना होगा, व्हाट विल बी आवर एसी लाइन वोल्टेज बेटा। तो ये आपका होगा बेटा इस केस में बेटा आपका आंसर क्या होगा, ये आपका फेज वोल्टेज दिया हुआ है आपको ए, ये क्या है आपका फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि हाँ एसी, आपसे पूछ रहा है बेटा ये आपका फेज वोल्टेज है, आपसे पूछ रहा है एसी वोल्टेज क्या होगा, मतलब कि आपका लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होगा, व्हाट विल बी द लाइन टू लाइन वोल्टेज सर। तो इस केस में जल्दी से फटाक से आंसर बताइए आंसर क्या होगा बेटा, ध्यान से प्यार से आराम से देखोगे तो देखो बेटा कैसे करोगे। आपको पता है कि जो लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है √3 फेज वोल्टेज होता है, ठीक है सर, ओके वेरी गुड। और यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो ये एसी है ना बेटा, ये सी है, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे बेटा, ये हो गया यहां से आ जाएगा आपका ये माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना जाएगा ये 60 हो जाएगा बेटा। तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे ये वाला जो वैल्यू आएगा दिस जो ये जो बीच में जो वोल्टेज आएगा इस वोल्टेज हम लोग बोले बेटा ये क्या आ गया आपका ये हो जाएगा माइनस वीसी। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा दिस विल बी योर वीएसी बेटा, ये जो वोल्टेज आएगा दिस विल बी वीएसी। तो ये जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा आपका 30 डिग्री लीड करेगा, ये क्या करेगा बेटा आपका 30 डिग्री लीड करेगा सर यहाँ पे। तो यहाँ पे यहाँ पे आपका जो लाइन वोल्टेज होगा वो क्या करेगा 30 डिग्री लीड करेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा दिस विल बी योर 20+30 50 बेटा। और आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा √3 टाइम्स हो जाएगा, तो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा √3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा
दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको फेजर डायग्राम बना के क्वेश्चन करना है। ये नहीं कि यहाँ जो रटे हुए हो उसी को यहाँ पे चिपका दोगे, नहीं बेटा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कुछ भी आएंगे आप लोग को उसको ध्यान से करना है और अच्छे से समझते हुए करना है। और यहाँ पे आपसे एसी वोल्टेज पूछ रहा है बेटा, एसी वोल्टेज पूछ रहा है सर, तो वो क्या हो जाएगा, वो 30 डिग्री आगे जाएगा, दैट विल योर 30 डिग्री यहाँ पे, और वो हो जाएगा 10√3 एंगल 50। तो हर क्वेश्चन को ऐसे करो बेटा कि ये क्वेश्चन अगर ये तो आया हुआ एग्जाम में, लेकिन दोबारा से वो क्या करेगा, सेम पैटर्न में क्वेश्चन बनाएगा, सेम पैटर्न में क्वेश्चन बनाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी ए में आया हुआ, यूपीपीएससी ए में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम कह रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, जब भी आपका फेजर डायग्राम क्वेश्चन आए तो उसको बना के आराम से करा करिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा सर। ओके, चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा ये सिंपल है, कह रहा है कि दो इंडक्टर है बेटा जिसकी आपकी वैल्यू दे रखी है, दो इंडक्टर बेटा L1 L2 दे रखा है आपको, ये L1 है ये L2 है। ओके सर, आपसे पूछ रहा है भैया क्या, आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, आपसे पूछ रहा है कपलिंग कोफिशियंट। तो बेटा कपलिंग कोफिशियंट क्या होता है, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, म्यूचुअल बाय क्या बेटा आपका L1 into L2। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए ध्यान से करिएगा। तो यहाँ बेटा म्यूचुअल दिया हुआ है 2.5, ओके, और यहाँ पे L1 L2 देख लो, ये क्या है बेटा 20 है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ बेटा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला करो, ये नहीं कि हाँ कैलकुलेशन करो, कह रहे यार इसका तो हमको आता नहीं, तुम क्या करो थोड़ा कम कर लो, यहाँ इसको 16 मान लो, इसको अप्रोक्स 16 मान लो, तो क्या आएगा बेटा आपका 2.5 by 4, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा, 0.6 आ जाएगा, 0.4 से 24, मतलब ये 0.6 के आसपास होगा, मतलब ये 0.6 से नीचे ही रहेगा। भैया 16 है तो 0.6 आ रहा है, 20 है तो 0.6 से नीचे ही आएगा, तो 0.6 से नीचे यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है तो एक ये आ रही है, सिर्फ यही दिख रही है हमको, सिर्फ यही दिख रही है बेटा, तो अप्रोक्स वैल्यू ये हो जाएगी। तो हमेशा अप्रोक्सीमेशन किया करो कि 20 है या फिर उसको तुम मान लो उसको मान लो तुम क्या मान लोगे 25 मान लो, तो 25 मानोगे तो क्या जाएगा 2.5 है क्या बेटा 25, ये 5 करोगे तो क्या जाएगा 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 आ रहा है मतलब कि हाँ 0.5 थोड़ा सा नीचे होगा, तो मतलब ये आपके ये 0.5 कुछ होगा, ये आपका आंसर आएगा। सो अप्रोक्सीमेट किया करो वैल्यूज को ताकि बेटा आपका आंसर एकदम ऑप्शन के पास मिल जाए। हमेशा एक्चुअल आंसर कभी भी मत निकाला करिए, बिकॉज उससे कोई फायदा नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मेंस में आ गया, मान लिए एससी मेंस में आया, एससी जेई मेंस में आ गया, तो उस केस में निकालिए प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करके आप लोग आंसर निकाल करो, बस क्योंकि समय बहुत ही कम होता है सर। ओके, आंसर विल बी 0.56। ओके चलो, इसकी अच्छा चलो ठीक है ठीक है, इसकी यहां पे देखो बेटा व्हाट इज द, और बेटा एक चीज यहां पे और, एक चीज यहां पे और बेटा, हमेशा देखिए एक चीज और बेटा, जो आपकी कपलिंग कोफिशिएंट होता है क्या होता है बेटा, वो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके 1 के बीच में होती है, 0 से लेके 1 के बीच में होती है। मैक्सिमम वैल्यू जो जाएगी के की वो क्या होगी बेटा 1 होगी। तो बेटा यहां पे देखो ये क्या है, 1 से ज्यादा है, काट दिए, ये क्या है 1 से ज्यादा है, काट दिए। तो जल्दबाजी में एग्जाम में जब समय कम बचता है तो थोड़ा सा दिमाग चलाया करिए, के की वैल्यू क्या होती है, कपलिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा, मैक्सिमम जाएगा, आइडियल केस में इसको 1 मानते हैं, लेकिन बेटा इसकी वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में होती है। तो पहले ऑप्शन जरूर चेक कर लिया करिए क्वेश्चन करने से पहले कि भैया चलो ये तो क्या है 1 से ज्यादा है, काट दिए, इसको भी काट दिए, तो आंसर क्या आएगा, इन्हीं दोनों में से बीच में से आएगा। उसके बाद आप लोग का आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लास्ट टाइम में अगर तुक्का भी लगाओगे तो आंसर चाहिए होने के चांसेस होने के बढ़ जाएंगे। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखा करिए ऑप्शंस क्या है, आपको आंसर मेंशन है, बस जो उसने वहां से बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी आंसर निकाल लिया, समझ लो बेटा वही खिलाड़ी है, और वही खिलाड़ी आपको बनना बेटा, वही खिलाड़ी आपको बनना है, नहीं तो बेटा क्वेश्चन तो होते रहते हैं और आंसर तो आते रहे बेटा। ओके, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भैया कि लखनऊ में क्या बेटा वाटर बॉयलर रखा हुआ है, उसका जो एसी मेन सप्लाई है ना बेटा, एसी सप्लाई मेन पावर है, जो फ्रीक्वेंसी होगी किसकी बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर की, जो फ्रीक्वेंसी होगी किसकी बेटा आपकी, इंस्टेंटेनियस पावर की, जो फ्रीक्वेंसी होगी किसकी बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर की, वो क्या होगी बेटा, जो फ्रीक्वेंसी होगी इंस्टेंटेनियस पावर की वो क्या होगी बेटा। ओके, तो हमको पता है इंस्टेंटेनियस जो पावर होता है वो क्या होता है बेटा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी, जब पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है इंस्टेंटेनियस पावर की, वो क्या होती है बेटा, वो होती है डबल 2 टाइम्स होती है किसके बेटा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की या फिर करंट की। तो हमेशा देखिएगा हमारे क्या है, हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है, हमारे घर में बेटा सप्लाई जो आ रही है वो क्या आ रही है, 50 हर्ट्ज आ रही है। जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो करंट या वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी से डबल होती है। तो बेटा हमारा आंसर क्या जाएगा, डबल कर दोगे फ्रीक्वेंसी को, 50 × 2 दैट इज ओल्ड कितना बेटा आपका 50 × 200। तो वो बेटा क्या करेगा, आपको इसी तरह क्वेश्चन घुमाएगा, आप लोग घूमना नहीं है, आंसर विल बी 100 हर्ट्ज। ओके,
पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दुगनी होती है वोल्टेज और करंट की। और कौन सी पावर की? इंस्टेंटेनियस पावर की। याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दुगनी होती है, टू टाइम्स होती है, किससे बेटा? वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी से। हमारे घर में जो वोल्टेज आ रही है 220 वोल्ट आ रहा है हमारे सॉकेट में, उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी बेटा? 50 हर्ट्ज है। उसको डबल कर दोगे तो आपका इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, दैट इज योर 100 हर्ट्ज बेटा। लेकिन मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया बेटा, मैंने यहां पे लिख दिया इंस्टेंटेनियस, मैंने यहां पे लिख दिया बेटा क्या? एवरेज पावर। हमने यहां पे लिख दिया बेटा क्या? एवरेज पावर। तो एवरेज पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी बेटा? जो एवरेज पावर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? एवरेज पावर, देखो ध्यान से बेटा, यहां पर सिखा रहा हूं आप सीख जाओगे, वहां पे ध्यान रखिएगा। जो डबल फ्रीक्वेंसी होती है वो कौन से पावर की होती है? सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है बेटा? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के दुगनी होती है, बस इतना याद रखिएगा। किसकी पावर की? इंस्टेंटेनियस पावर की। अगर यहां पे एवरेज पावर आ गया बेटा तो एवरेज पावर क्या हो गया? जीरो। इसकी फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं होती। ओके, एवरेज पावर की फ्रीक्वेंसी मत निकाल देना, एवरेज पावर की फ्रीक्वेंसी मत निकाल देना। ओके चलो, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसको तुम इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट कर दिए, एवरेज निकाल दिए। जब तुम एवरेज निकाल दोगे बेटा हाफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आपकी? ओके, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिएगा। और ये जो डबलिंग आप लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हो ना बेटा, जो फ्रीक्वेंसी निकालते हो वो किसकी निकालते हो बेटा? आप लोग की इंस्टेंटेनियस पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल होती है। एवरेज पावर की डबलिंग मत कर देना। ओके, एवरेज पावर की डबल मत कर देना। ओके चलो, वेरी गुड। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना बेटा, और एग्जाम में क्वेश्चन बनते बेटा। अब ये क्वेश्चन जो कर लेगा समझ लो कि हाँ वो कॉन्सेप्ट सीख रहा है बेटा। अब ये क्वेश्चन जो कर लेगा वो समझ लो कि हाँ कॉन्सेप्ट सीख रहा है बेटा। क्या कर रहा है यहाँ पे? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर देने की कोशिश करो बेटा। मैं यहां से ऑप्शन हटा देता हूं बेटा और सिर्फ क्वेश्चन रखता हूं। ठीक है, चलिए देखो बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है आरएमएस वैल्यू बेटा। आरएमएस वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बेटा? वो हीटिंग इफेक्ट पर डिफाइन है कि हाँ एक पर्टिकुलर इंटरनल में डीसी में पावर सप्लाई किया उतना ही जितना हीट वो प्रोड्यूस करेगा एसी में, दैट इज कॉल्ड योर आरएमएस वैल्यू। तो वो क्या है? हीटिंग इफेक्ट से हम निकालते हैं आरएमएस वैल्यू को। तो याद रखिएगा आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू जरूर देखना है। पावर की फ्रीक्वेंसी जो डबल होती है वो किसकी होती है? वो आपकी इंस्टेंटेनियस पावर की होती है, वो भी सिंगल फेज की। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आते हैं इस पे और बहुत सारे बने हुए। ओके सर, चलिए। सो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। हमेशा देखिएगा आर है, एल है, सी है बेटा। ध्यान से पहले क्वेश्चन देख लो बेटा, फिर दोबारा से क्वेश्चन आ गया। देखो आधे बच्चे तो इस क्वेश्चन को देख भाग जाएंगे, अरे ये क्या दिया, छोड़ो हटाओ, स्किप स्किप स्किप। लेकिन रैंक यही बनाएगा बेटा। मेरिट लिस्ट में आपका जो नाम आएगा वो इसी से आएगा बेटा, वोल्टेज करंट ओम्स लॉ ओम्स लॉ ओम्स लॉ से। खाली सब कॉमन होते हैं, सब कर लेंगे। जो रैंक बनेगी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो इसी से आएगा। याद रखिएगा बेटा, ये जो आर एल सी है ये क्या है? पैसिव एलिमेंट है। इसमें जब करंट एंटर करता है तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं, जहां से करंट एंटर करता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जहां से करंट एंटर करता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं बेटा। ये क्या है? हमारे पैसिव एलिमेंट है। ये क्या बेटा? हमारे क्या बेटा? ये पैसिव एलिमेंट है। तो हम में से देखो बेटा ये क्या है? ये आर है, पैसिव एलिमेंट है, इसमें करंट आ रहा है। देखो बेटा ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है यहाँ पे, इसने दिया हुआ है यहाँ पे, इसने यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, नीचे आ रहा है। ठीक है सर, इसमें उसने डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ। आप लोग डायरेक्शन नहीं दिया हुआ तो तुम ऐसे नहीं सकते हो कि यार पॉजिटिव है तो यहां से करंट इंटर कर रहा होगा। ये क्या हो गया? आईसी हो गया। ये पॉजिटिव है, यहां से करंट इंटर कर रहा होगा, क्या हो गया? आईएल हो गया। और यहां पर करंट कितना है? यहां पर 2 एम्पियर है। तो बस यहां पर तुम लोग इस पॉइंट पे केसीएल लगा दो, काम तुम्हारा बन जाएगा। तो यहां पर जब तुम केसीएल लगाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा? टोटल इनकमिंग छोड़ो टोटल आउटगोइंग। तो इनकमिंग क्या है बेटा? ये 1 ये 2, तो क्या हो जाएगा? 2+1 क्या हो गया बेटा आपका? यहां से 2+1 क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका इनकमिंग, और इज इक्वल टू आउटगोइंग क्या हो गया? आईएल प्लस आईसी। ठीक है बेटा, तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि यहां से आईएल निकालोगे, जो आईएल की वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी बेटा? आईएल विल इक्वल टू हाउ मच? दिस विल इक्वल टू 3 - IC। तो ये इक्वेशन आपका एक निकल गया। अब एक बार इक्वेशन निकल गया आपको बेटा, आप लोग जो पूछ रहा है वो सारा कुछ आप लोग निकाल के रख सकते हो यहां पे। अब वो जो भी पूछेगा वो आप लोग यहां से अब निकाल सकते हो। बस यही मेन इक्वेशन था जो बच्चे गलती करते बेटा। तो यहां देखिए आईसी, अब हमको देखो बेटा वीसी दिया हुआ है, हमको वीसी दिया हुआ है। देखो यहां पर हमको वीसी दिया हुआ है, वीसी दिया हुआ है, देखो यहां पे हमको वीसी दिया हुआ है। दिस इज इक्वल हाउ मच?
इसको इसको याद रखो, आई एन शोर्ट क्या हो गया, 3 - IC हो गया बेटा। तो VC कितना दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा हटाऊंगा तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। आपको VC देखो कितना दिया हुआ है, VC कितना दिया हुआ है, VC दिया, देखिए VC दिया आपको, VC ये दिया है VC 4 sin 2t, VC कितना दिया है 4 sin 2t बेटा। और आपका रिलेशन क्या निकलता, आई एन शोर्ट क्या निकलता, 3 - IC। अब इस IC को हम लोग जानते क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, IC को क्या लिखते बेटा आप लोग, इस IC इक्वल टू क्या होता है, CdV/dt। तो सी दिया हुआ आपको, सी दिया हुआ है, तो सी दिया हुआ बेटा आपको, यहां से सी निकालोगे, सी की वैल्यू 1 दिया हुआ है, DV/dt कर दो, तो यहां पे करोगे DV/dt क्या जाएगा, ये हो जाएगा 8 cos 2t। तो बस आपको बेटा देखो IL निकल गया, IL कितना आ गया आपको बेटा, ये हो गया 3 - 8 cos 2t बेटा। बस अब आपसे पूछ रहा है क्या बेटा, आपसे जो पूछा हुआ है वोल्टेज पूछा VL का बेटा, तो VL का वोल्टेज निकालने के लिए क्या करो बेटा, आपको VL का वोल्टेज पूछ रहा है, तो यहां से आप लोग क्या करोगे, सिंपली इसको जो IL यहां से निकाले हो, यहां से ये IL निकाले बेटा, यहां से VL निकालने के लिए क्या करते हो, VL इक्वल टू क्या होता है आपका LdIdt बेटा। आपको इसकी वैल्यू दिया है 2 हेनरी, I की वैल्यू आप निकाल चुके हो, इस IL को डिफरेंशिएट कर दोगे, आपका आंसर निकल के चलाएगा बेटा। बस यही क्वेश्चन में है बेटा, यही क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, तो इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर निकल के चलेगा बेटा। तो देखो यहाँ पे इसको कर देते हैं, मैं ही कर देता हूँ बेटा, देखो एल क्या है 2 है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 हो गया, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा आप, ये 8 - 16, तो 16 हो जाएगा बेटा, ये क्या 16 sin 2t बेटा, sin 2t। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 32 sin 2t बेटा। तो हम लोग साइन सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बेटा, तो इसके लिए यहाँ पे जो आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस विल बी द आंसर, आंसर विल बी दैट इज योर 32 sin 2t। तो बेटा ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, अब मैं चाहता तो कि हाँ यार वो लेके चला आता, कि हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आता, सब खुश हो जाते, लेकिन बेटा यहाँ पे खुश नहीं करना है, हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं कि हाँ आप लोग थोड़ा सच्चाई से मुंह मत मोड़िए, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और दोबारा से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो गलती नहीं करना बेटा, सीक्वेंस याद रखो बेटा, कुछ भी डरना नहीं है, देख के आपको कुछ नहीं है, KVL कैसे नहीं लगाना है इसमें, KVL कैसे लगाओगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे, आ जाएगा आंसर, तुम इसको इधर भी मानोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग सिंपल वे में लेके चलोगे, आपका आंसर निकल के चलाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी क्वेश्चन से डरिए मत, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, आपका क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है, बस आपको एक सीक्वेंस चाहिए होता है जिससे कि आप लोग आंसर आ जाए बेटा। ओके चलिए, वेरी गुड। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में देखिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को फिर से देखिए बेटा, ये आपका लास्ट ईयर देखोगे, ये आपका UPSC A में आया हुआ है, ठीक है बेटा, UPSC A में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हुए पहले भी, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, और करने की कोशिश करें बेटा, और आंसर दीजिए बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, ओके वेरी गुड, यस हाँ बेटा, वो क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, बस ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग पॉलिटेक्निक लेक्चर बना जाते हो, देखा आपका लेक्चर का जो पोस्ट है बीटेक वालों के लिए अप्लाई है, और बीटेक वाले जहां पे होते हैं वहां पे थोड़ा सा टफ, हाई टफ आपका जो थोड़ा सा कंपटीशन अच्छे से होता है, तो चाहे बीटेक हो जाए आपका बेटा, डिप्लोमा हो, वो क्वेश्चन सबसे बन जाने चाहिए, बिकॉज UPRVNL UPPC में जो क्वेश्चन इस बार आए हैं उसको देख के लगता नहीं कि हाँ वो लोग अब नॉर्मल क्वेश्चन देने वाले हैं, तो इसलिए हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए बेटा, बिकॉज बहुत ही अच्छे से कंपटीशन बढ़ रहा है बेटा। ओके तो इस केस में आंसर बताए बेटा, तो मैंने आपको बताया हुआ है क्या भैया, कि आपका एमीटर का रेंज बढ़ाना है, एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शंट में एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, शंट में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं बेटा, शंट में हम लोग क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जितने टाइम्स रेंज बढ़ाना है उसमें से -1 करके इंटरनल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस हमने सिखाया हुआ है क्या बेटा, जितना रेंज बढ़ते हैं, पहले कितना था, पहले आपका रेंज कितना था, 100 था, कितना बढ़ाना है हमको, 500 करना है, 500 करना बेटा। तो जितने टाइम्स बढ़ा रहे हो उसमें से -1 कर दो, कितने टाइम्स बढ़ा रहे हो उसमें से -1 कर दो, तो कितना बेटा 5 - 1। उसके बाद इसको किससे डिवाइड करना बेटा, आपका जो इस एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उससे डिवाइड कर दो, तो ये 100 है, अब 100/4 कर दोगे तो कितना बेटा, ये 25 ओम। तो 25 ओम का यहां पे अगर तुम इंटरनल शंट रेजिस्टेंस लगाते हो तो आपका बेटा क्या हो जाएगा, आपका जो रेंज हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को माइंड से करिएगा, जितना रेंज बढ़ा रहे हो कितने टाइम्स उसमें से -1 और उसको डिवाइड कर दोगे इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो आपका आंसर आ जाएगा सर, आपका रेंज उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, उतना रेजिस्टेंस लगाओगे शंट में तो आपका रेंज बढ़ जाएगा। इसी तरह वोल्ट मीटर का लिए क्या होता है, जितने टाइम्स बढ़ाना है रेंज उसमें से -1 करके
आपको उसके रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रेंज, आपका रेजिस्टेंस वैल्यू आ जाएगी जो कि हम लोग सीरीज में लगाते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस दिमाग से करिएगा, फॉर्मूले जब तक लगाओगे तब तक टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चंस को करने का समय थोड़ा कम होता है, इसलिए अप्रोच बदलिए और माइंड से क्वेश्चन करिए। कैसे करें बेटा? माइंड से करिए, कितने टाइम्स बढ़ रहा है उसमें से माइनस वन कर दो। उसके बाद अगर आपका एमीटर का रेंज बढ़ा रहा है तो एमीटर में हम लोग जो रेजिस्टेंस लगाते हैं वो शंट में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, तो इंटरनल से उसको डिवाइड कर दो, आपका पैरेलल वाला रेजिस्टेंस वैल्यू आ जाएगी। अगर वोल्ट मीटर में है तो कितने टाइम्स बढ़ा रहे हो, कितने टाइम्स बढ़ रहा है उसमें से माइनस वन करके उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाओगे वोल्ट मीटर में वो निकल जाएगा, जो कि हम लोग वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं ताकि उसका हमारा रेंज बढ़ जाए बेटा। तो हर क्वेश्चन को बहुत ही माइंड से खेलोगे तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। सो आंसर विल बी व्हाट बेटा? 25। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चंस में पेन पेंसिल मत यूज करिएगा, पहले ही बता रखा है, दोबारा बता रहा हूं बेटा कि कितना टाइम्स बढ़ता है उसमें से माइनस वन करके इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, वेदर इट इज एमीटर और वोल्ट मीटर बेटा। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन में देखो बेटा, इसी क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन में देखो बेटा, इसी क्वेश्चन में मान लो मैंने यहां पर लिख दिया, यहां लिख दिया बेटा, लो दिस इज योर वोल्ट मीटर, दिस इज योर वोल्ट मीटर, दिस इज 100 मिली वोल्ट एंड दिस इज योर मिली वोल्ट। ओके, दिस इज योर सीरीज रेजिस्टेंस, सेम क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आंसर कैसे निकालोगे बताओ बेटा? देखो इसी जगह प्रैक्टिस कर लो दोनों की, तो आप लोगों को चीज समझ में आएगी। इसी जगह पे दोनों की प्रैक्टिस कर लो तो आपको चीज समझ में आएगी बेटा। अगर आपको वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना है तो उस केस में आपको वोल्ट मीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो उस रेजिस्टेंस लगाओगे उसका रेंज क्या होगा, वो इस केस में क्या होगा बेटा, व्हाट विल बी द आंसर इन दिस बेटा। तो हमारा क्या है बेटा, कितना वोल्टेज है, 100 मिली वोल्ट है, कितना चाहिए हमको, 400, कितना चाहिए, 500 चाहिए बेटा, हमको कितना चाहिए बेटा, हमको 500 मिली वोल्ट चाहिए बेटा, 500 मिली वोल्ट चाहिए। तो ध्यान से कितना रेंज बढ़ा रहा है, कितना टाइम बढ़ रहा है, 5 टाइम्स, तो 5 माइनस 1 कर दोगे 4 हो गया। इस 4 को आप लोग उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इतना ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज में, ताकि आप लोग का रेंज बढ़ जाएगा 100 से 500। बस यही तो होता है बेटा। अब ये जाओगे बुक में जाओगे तो 3-4 शब्द दिए होंगे, पहले एम निकालो, एम माइनस वन निकालो बेटा, वो उससे भी आंसर आएगा, लेकिन एग्जाम में अप्रोच हमको सीखना है जिससे कि हमारा जल्दी क्वेश्चन आ जाए और हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें और फाइनल सिलेक्शन पा जाए, नहीं तो फॉर्मूला जब तो लिखोगे समय बहुत ज्यादा है। तीसरे सिखाया जाता बेटा चेक द सीरीज, मैंने फिर से कहा सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर सीरीज नहीं है, ये तरीका है जो कि सीखना है बेटा आपको अपने एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए। ओके, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से करो बेटा, फिर से बेटा इस क्वेश्चन का जाओगे, इस क्वेश्चन को बुक से करोगे कम से कम 3 मिनट खाओगे, 3 मिनट, और इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर जो बच्चे लगे हुए हमारे साथ वो 10 सेकंड में करेंगे, फिर मैं भी आपको बताऊंगा कैसे इसको 10 सेकंड के अंदर करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लो बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इस क्वेश्चन को किसी भी में जाओ, आप लोग जाओगे चाहे सीएल बाबा उठा लो, आप लोग सीएल बाबा उठा लो, डीपी कोठारी उठा लो, या फिर आप लोग क्या उठाओ, जेबी गुप्ता उठा लो बेटा, सब में इसका जो आंसर देगा, या वीके मेहता उठा लो बेटा, सब में इसका जो अप्रोच दिया हुआ है वो एक पेज आधा पेज दिया हुआ है। इसका आंसर 10 सेकंड में कैसे निकालते हैं हमने आपको सिखाया हुआ है, दोबारा सिखा देते हैं, चाहे ए एग्जाम हो चाहे जे एग्जाम बेटा, फिर से मैं कह रहा हूं आप लोग अप्रोच सीखिए, वहां पे आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाँ आपने कैसे आंसर निकाला है बेटा, वहां पर सही आंसर निकालना है और जल्दी निकालना है, तभी आपका आंसर आएगा सर। सो व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस केस बेटा? यस, वेरी गुड, हाँ बेटा थैंक यू सो मच। बट यहाँ पे आज लाइक शेयर बच्चे बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि लगता है आज पहला दिन है इसलिए लाइक शेयर नहीं हो रहा बेटा, तो लाइक शेयर करते रहा करिए, जितना आप लोग अच्छे से इसको शेयर करोगे उतना ही हम लोग अप्रोच दिखाएंगे आप लोगों को और एक्स्ट्रा चीज बताएंगे। देखो बेटा धीरे धीरे चीजें अपडेट हो रही है, अभी मैंने कहा ना बेटा अभी हमें अभी तक जितने भी हमने आपको ट्रिक्स बताए हैं वो बहुत कम बताए हैं, बहुत अभी रखे हुए बेटा हमारे पास, और उसकी बहुत जल्दी हम लोग बुक भी लॉन्च करेंगे प्रोफेसर की ट्रिक्स की। बट उससे पहले हम चाहते हैं कि आपका एग्जाम निकल जाए, और उसके लिए बेटा डे बाय डे हम आपको और अपडेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, बस आप लोग ध्यान से शेयर लाइक्स करते हैं। देखिए बेटा, देखिए ध्यान से, ध्यान देखिए बेटा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो चुपचाप से
आप लोग पावर फैक्टर दिया हुआ है, चुपचाप से ट्रायंगल बनाओ। पावर फैक्टर होता क्या बेटा, देखो ये समझाने के लिए क्या है, मैं फिर से इसको एक बार समझा दे रहा हूं, लेकिन इसको दोबारा से माइंड से करिएगा। पावर फैक्टर कितना है बेटा, 0.8। पावर फैक्टर होता क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, आपको 0.8 दिया हुआ है। हम लोग पढ़े हुए क्लास 9th में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके बेटा, तो ट्रायंगल में हम बनाए हैं, ट्रायंगल बनाए तो यहां से क्या बनेगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा कितना, 0.8/8/10, दैट इज कितना बेटा आपका हो जाएगा 4/5। ठीक है बेटा, दिस विल बी योर 4, दिस विल बी योर 5, दिस विल योर 5। भैया ये बेस हो ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये क्या बेटा आपका परपेंडिकुलर है, ये हमारा थीटा है। तो कॉस थीटा हो गया हमारा 4/5। भैया यहां से हम अगर पूछे कि हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये 3 होगा, 3 होगा बेटा। तो हमको दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है, ये जो हमको एक्टिव पावर दिया हुआ है, हमको एक्टिव पावर दिया हुआ है 4 बराबर कितना दिया है, 100 दिया है। तो 1 बराबर कितना होगा आपका, 25 हो जाएगा। तो हमारा जो रिएक्टिव पावर होगा वो कितना होगा, रिएक्टिव पावर जो होगा वो कितना होगा बेटा, 75 हो गया। भैया अगर ये 4 बराबर 100 दिया हुआ है तो हमारा रिएक्टिव पावर 3 है, तो वो कितना 75 हो जाएगा। तो कह रहा है कि हमको इसको कम करना है, हमको ये थीटा जो है इसको कम करना है, हमको पावर फैक्टर क्या करना है, 1 करना है। तो हमको थीटा 0 करना पड़ेगा, तो इसको 0 करना है। तो ये वाले पार्ट जैसे जितना ऊपर है, जितना पार्ट आपका ऊपर है बेटा, उतना ही पार्ट हम अगर नीचे माइनस कर दें, उतना ही पार्ट अगर नीचे माइनस कर दें तो हमारा ये 0 हो जाएगा, ये जो थीटा है वो 0 हो जाएगा बेटा। भाई जितना पार्ट ये ऊपर है, इतना पार्ट, उतना पार्ट हम लोग माइनस कर दें, जिसको हम लोग कहते हैं कि हाँ चलो हम लोग कैपेसिटर लगा देंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कितना रेटिंग का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, कितने रेटिंग का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो भैया जितना ये ऊपर है उतना नीचे लगाना पड़ेगा, तो ये ऊपर 75 है तो नीचे भी क्या लगाना पड़ेगा, 75 लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 75 आ जाएगा। अब इसको तुम जाओ क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करो, 10, 5, -5, how करोगे उतने में बेटा इसका आंसर माइंड से खेलोगे आ जाएगा। पावर फैक्टर कितना है, 0.8, 4/5 हो गया, 4 बेस हो गया, 5 हाइपोटेनस हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3 हो गया। 4 बराबर 100 दिया है तो 1 बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। तो हमने रिएक्टिव पावर निकाल लिया, उसी रिएक्टिव पावर को कम कर देंगे, उसी रिएक्टिव पावर को कम कर देंगे तो हमारा पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। तो कितने का करना पड़ेगा, जितना हमारा रिएक्टिव पावर दिया हुआ है तो उतना हमने क्या किया, निकाल लिया रिएक्टिव पावर को, उतना हमको चाहिए होगा रेटिंग किसका, कैपेसिटर बैंक का, ताकि हमारा क्या जाए वो कैंसिल आउट हो जाए और हमारा पावर फैक्टर बना जाए। तो एक क्वेश्चन हमने समझाने के लिए दिखा दिया आप पे, लेकिन एग्जाम में ये सब परचम मत करना, ये सब पचरा पचरी नहीं करना है वहां पे माइंड से स्टेप बाय स्टेप सीखो, प्रैक्टिस करो। साथ में हमारे चक्र सीरीज में अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं और आप लोग को सिखा देंगे। ओके, तो क्वेश्चंस को कैसे करना है ये बहुत ही ज्यादा है, मैंने रखेगा आपके एग्जाम में, उसको सीखिए, खेलिए बेटा और करिए। ओके चलिए, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते। इसी क्वेश्चन मान लीजिए बेटा, इसी क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन पूछता है कि फैक्ट्री में इतना ड्रॉ कर रहा है बेटा, ठीक है बेटा, पूछ लीजिए। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कह रहा है, इसी क्वेश्चन पूछ लो बेटा, कह रहा है इसी क्वेश्चन में कह रहा है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट इज द केवीए रेटिंग ऑफ मशीन ऑफ फैक्ट्री। केवीए रेटिंग क्या होगा इसके विषय में सर, केवीए रेटिंग क्या होगा। मान लीजिए आपका जो आपका उसने एक्टिव पावर दिया हुआ है, आपके फैक्ट्री में जो मशीन है उसका जो लोड है उसका एक्टिव पावर दिया हुआ है, तो पूछ लेगा मान लीजिए उसका केवीए रेटिंग क्या होगा। तो केवीए रेटिंग अगेन भैया 4 बराबर कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, 4 बराबर कितना आपका 100 है, तो 1 बराबर कितना होगा 25, तो हाइपोटेनस कितना आया था, 5 आया था बेटा। तो हाइपोटेनस है क्या बेटा, ये जो आपका हाइपोटेनस होता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, ये होता क्या बेटा, ये हाइपोटेनस क्या होता है, ये आपका आपका ये अपेरेंट पावर होता है ना बेटा, ये क्या होता है आपका अपेरेंट पावर होता है, ये है क्या बेटा, ये केवीए तो है बेटा, ये केवीए तो है बेटा। इसका आंसर क्या आएगा, ये कितना था, ये 5 है। अगर 4 बराबर 100 है तो 5 बराबर कितना आएगा बेटा आपका, 125 हो जाएगा। भैया 4 बराबर 100 है तो 1 बराबर कितना होगा, 25, तो 5 बराबर कितना आएगा आपका, 125। ठीक है, तो एग्जाम में अभी डीएफसीएल एग्जाम हुआ है, उसमें जो बच्चे कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे थे उनका मतलब कि 120 में से 110 नंबर सही करके बच्चे, आज देखिए 5 तारीख के आज आप लोग का आंसर शीट आ जाएगा। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जितना अच्छे से करोगे, अप्रोच सीखोगे, उतने अच्छे से आपको एग्जाम क्लियर कर पाओगे बेटा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखा करिए। ओके चलिए, वेरी गुड, ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। कह रहा है कि जीनर डायोड दिया हुआ है, तो भैया जीनर डायोड क्या होता है आपका, हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है बेटा। ओके, कह रहा है
उसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो कितना है, 15 वोल्ट है। अच्छा भैया ठीक है। उसकी जो पावर रेटिंग कितना वाट आपका, 0.5 वाट है। अच्छा भैया ठीक है। कह रहा है कि अगर इनपुट वोल्टेज 40 वोल्ट है तो बताइए भैया आपको आरएस जो है यहां पे कितना लगाना पड़ेगा ताकि हमारा जो डायोड है, ये जेनरेटर डायोड है, वो डिस्ट्रॉय ना हो। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपके एग्जाम में चाहे आपका यूपी आर्बिनल का है, चाहे आपका क्या बेटा आपका किसी भी स्टेट का आर्बिनल में ये एग्जाम आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए सभी लोग। बहुत ही प्यार से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अलग करोगे ध्यान से तो इसका आंसर निकल के चलाएगा बेटा। तो व्हाट इज आंसर इन दिस केस, वेरी गुड, सभी लोग निकालिए, सभी लोग निकालिए, चलिए वेरी गुड, आराम से बेटा। कह रहा है कि ये हमारी क्या बेटा, ये हमारा फॉरवर्ड रिवर्स बायस में काम करता है। इसकी रेटिंग दी हुई है 15 वोल्ट, इसकी रेटिंग दी है 15 वोल्ट और इसका पावर रेटिंग दिया हुआ है 0.5 वोल्ट। कह रहा है कि यहां पे आरएस की वैल्यू क्या रखें, कितना बेटा यहां 40 वोल्ट है, ये पूरा इसको दे देंगे ये फूक जाएगा। तो हम चाहते हैं 40 में से सिर्फ 15 इसके पास जाए और बाकी इसके पास चला जाए। तो भैया उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भैया हमको यहाँ पे आरएस वैल्यू क्या रखें ताकि हमारा जो ये जीनर डायोड है वो डिस्ट्रॉय ना हो बेटा, वो डिस्ट्रॉय ना हो सर। तो आप लोग देख लीजिए, तो ध्यान से देखो बेटा, इसको ध्यान से देखिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका, देखिए ध्यान से क्वेश्चन करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए हमको पावर रेटिंग दिया है, हमको दिया है वोल्टेज रेटिंग दिया है, जीनर का वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट है, जीनर का पावर रेटिंग दिया हुआ है, ओके पावर रेटिंग 0.5 वाट है। तो यहां से अगर मैं पावर इसका करंट निकालूंगा, जिनर में कितना करंट होगा तो कितना होगा सर, वहां पे करंट कितना होगा, जिनर में कितना करंट होगा सर, तो उसकी जो करंट होगी वो कितना होगा, 0.5 बाय क्या बेटा 15 भाई, आई इज इक्वल टू क्या आएगा, आई इज इक्वल टू क्या होता है पावर बाय वोल्टेज, तो हमने यहां निकाल दिया। तो ये इतना करंट हमको चाहिए बेटा, इतना करंट हमको चाहिए बेटा क्या जिनर में, तो भैया इतना करंट फ्लो करना चाहिए जिनर में, इतना करंट फ्लो करना चाहिए बेटा। तो ये जो करंट है वो यहीं से आएगी बेटा, ये सारी करंट यहां से आएगी, इसमें तो जाएगी नहीं बेटा क्योंकि ये ओपन है, तो सारी करंट यहां से आनी चाहिए बेटा। तो हमने ये देखा कि हमारा जीनर में इतना करंट जाना चाहिए, तो बस काम हो गया। तो हमारा जो यहां वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा बेटा, हमारा जो यहां पे वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, आईजेड इंटू आरएस, बस। अब इसमें केवीएल लगा दो बेटा, इसमें केवीएल लगाओगे, चलो इस पॉइंट को मान लेते हैं, तो यहां से मूव करोगे तो क्या हो जाएगा, -40 प्लस आईजेड इंटू आरएस, अब फिर बेटा गया ये प्लस, प्लस कितना वोल्टेज यहां पे 15 वोल्ट इज इक्वल टू 0 बेटा, बस इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर निकल चला आएगा। तो यहां सॉल्व करोगे तो कितना बेटा, यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर आईजेड, आईजेड कितना दिया है ये 5/150 इंटू क्या बेटा आरएस, और यहां से कितना बेटा आपका ये, दिस विल बी योर, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल 25, ठीक। बस इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5/50 और ये हो जाएगा बेटा आरएस कितना जाएगा बेटा आपका, आरएस आ जाएगा बेटा दिस योर 15 हो जाएगा, तो 15/75 750 ओम 750 ओम, ओके दिस विल बी योर 750 ओम बेटा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, भैया हमको अपने जेनरेटर डायोड को 15 वोल्ट से ज्यादा नहीं दे सकते, तो जो 40 वोल्ट है वहां पर सप्लाई में, तो भैया हम क्या करेंगे, एक आर लगा दिए जिसमें कि जो 15 से जो बचेगा वो उसमें चला जाएगा बेटा और हमारा आंसर निकल के चला आएगा सर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से करोगे तो आपका आंसर बेटा आता है और आंसर आ गया सर, ओके। आई थिंक सभी लोग इसको कर लोगे, सभी लोग इसको कर बेटा। अब देखो बेटा ध्यान देखो, ये आईजेड है, आईजेड कितना था आपका, ये कितना था आपका, ये है आपका 1/50, ओके। आपका आर कितना है बेटा, आर आएगा बेटा आपका, आर कितना आ गया 750, ओके। ध्यान से करोगे तो ये कट गया, यहां से कितना आ गया 5 बेटा, ये कितना आ गया, ये आपको यहां से काटोगे आपका यहां से निकल के जाएगा। तो आपका इक्वेशन पूरा ये आपका फुलफिल होना चाहिए बेटा, तो इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से करोगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। सो आंसर इन दिस केस इज 750 ओम सर, ओके चलिए वेरी गुड। आगे देखते ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देख के आधे बच्चे भाग जाएंगे, इस क्वेश्चन को देख बेटा आधे बच्चे भाग जाएंगे, और ये क्वेश्चन बेटा आपका आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है सर। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से करोगे तो आपका आंसर निकल चलाएगा बेटा, ओके चलिए। ओके वेरी गुड, सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बेटा और आंसर देने की कोशिश करें बेटा, ओके चलिए।
ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। देखो बट हमेशा याद रखिएगा, आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे याद रखिए, ये जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता है, ये जो आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होगा। तभी क्या होगा आपका बेटा, जो आपका जो पावर का एलोकेशन होता है बेटा, उसमें जो आपका जो मिनिमम जनरेशन, आपका मिनिमम कॉस्ट जो आएगा वो कम आएगा। तो ये जो एलोकेशन होता है हमेशा याद रखिएगा, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट को अपने एग्जाम में हमेशा इक्वल करके आप लोग उसको सॉल्व करोगे। तो हमेशा इसको जब इसको तुम इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.4 P1 प्लस 400 इज इक्वल टू 0.48 P2 प्लस 320। ठीक है बेटा, यहां से निकालोगे तो यहां से इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो यहां से सॉल्व करोगे, चलो इसको इधर उधर कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते, चलो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 0.4 P1 ठीक है बेटा प्लस 0.48 P2 इज इक्वल टू क्या बेटा, इसको इधर उधर करेंगे तो कितना बेटा, ये जाएगा बेटा यस हो जाएगा, 80। ओके, ये एक इक्वेशन हो गया। और कह रहा है कि आपका 900 मेगावाट टोटल पावर है, जो दो पावर प्लांट है आपके, दो आपके प्लांट है P1 P2 जो पावर दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, P1 प्लस P2 कितना दे रहा है बेटा आपका, ये कितना आपका दोनों का शेयरिंग कितना है 900 मेगावाट का। तो कह रहा है भैया कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो कॉस्ट है जनरेशन का वो कम लगे, तो हमेशा इसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट को इक्वल करके आप लोग दो वेरिएबल दो इक्वेशन बन जाते हैं और इसको सॉल्व कर लोगे। तो यहां पर देखिए आप लोग अगर इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहां पर 0.4 आ जाएगा। ठीक है, यहां 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा बेटा, ये 0.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना जाएगा, 9436 कितना जाएगा बेटा आपकी, ये जाएगा सर ये कितना जाएगा बेटा, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9436 जाएगा बेटा, ये कितना जाएगा 36360 ये कितना जाएगा बेटा आपका 360। तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे, अब इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दोगे तो कितना जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.88 P2 इज इक्वल टू कितना बेटा आपका, ये हो जाएगा 440। बस इसको सॉल्व कर दो, यहां से P2 आ जाएगा बेटा आपका, और P2 जब भी आएगा P2 इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा बेटा, ये P2 कितना जाएगा यहां पे, ये आएगा बेटा आपका, दिस विल बी योर हाउ मच, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका बेटा ये 5000 आएगा, 500 आएगा बेटा, ये यहां से 500 निकल के चला आएगा, और बस आप लोग इसको वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सर दिस इज योर 400 एंड 500 मेगावाट। ऑलवेज रिमेंबर ऐसे क्वेश्चन, बच्चे क्या करेंगे अरे सर समझ नहीं आ रहा क्या होगा इस क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है कि आप लोग जब भी वो मिनिमम कॉस्टिंग पूछे तो इस इंक्रीमेंटल कॉस्ट को बराबर कर देना बेटा, और उसके बाद आप लोग को दिया हुआ है कि जो आपका टोटल लोड है P1 प्लस P2 वो दिया रहता है। ये क्वेश्चन हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में, बस डिजिट चेंज होता है, इस तरह से दिखा के आपको डराएगा जरूर वो, तो डरिएगा मत इसको देख के, आप लोग हमेशा रखिए उसको इक्वेट करके आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा बेटा। ओके चलिए, वेरी गुड, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब यहां से थोड़ा क्वेश्चन क्या आ गए, ट्रिकी आ गए हैं, इन क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करिएगा और आंसर देने की कोशिश करिए। ये IR है बेटा, ये क्या बेटा आपका, ये IR है, दिस इज योर IR, दिस इज योर IR, ये क्या है IR, दिस इज योर IR बेटा। ध्यान से प्यार से आराम से इस क्वेश्चन करिए बेटा और आंसर देने की कोशिश करिए बेटा। व्हाट इज आंसर इन दिस केस, व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, चलिए सो व्हाट इज द आंसर इन दिस बेटा, व्हाट इज आंसर इन दिस केस, ध्यान से प्यार से आराम से करिए इस क्वेश्चन को। चलिए, यस वेरी गुड, कह रहा है कि व्हाट इज द पावर डिलीवर बाय 24 वोल्ट, भाई कह रहे जो पावर जो डिलीवर करेगा, अब देखिए यहां से करंट निकलेगा, हमको ये आई चाहिए, हमको ये आई निकल जाएगा भैया, हम क्या करेंगे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भैया हमको यही आई चाहिए बेटा, तो ये आई निकालने के लिए अब ध्यान से कर लो बेटा। अब बच्चे करते हैं गलती करते, बच्चे आप लोग गलती ये करते हो, चलो मैं फिर से बताता हूं बच्चे क्या गलती करते हो, गलती आपसे ये होती है कि आप लोग इसकी ये क्या है, ये डिपेंडेंट सोर्स है, क्या बेटा आपका डिपेंडेंट सोर्स है, बच्चे सोचते हैं कि इसका कोई भी ना तो इसका कोई वोल्टेज होता है और ना इसका रेजिस्टेंस होता है, बट याद रखिएगा डिपेंडेंट सोर्स हो चाहे इनडिपेंडेंट सोर्स हो उसके अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बेटा, सभी सोर्सेस का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो भैया वो अब कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो वो पावर लेगा, तो पावर लेगा भैया तो पहले उसको हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो हमको देखो बेटा यहाँ पे ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो इन दोनों का जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा जो कि इसी के बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 6 IR जो कि यहाँ पे जो वोल्टेज हो जाएगा बेटा इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा बेटा, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ये क्या है बेटा ये 2 IR है, 2 IR है बेटा, इसमें करंट है ये, हमारे इसमें हम लोग मान लेते हैं इसका जो R है वो ये है, R ये है,
इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा बेटा, इसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसको मान लेते हमारा क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि हमारा पूरा करंट क्या आएगा यहां से। तो हम लोग अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, हमको यहाँ पे आर दिया हुआ है तो हमको टोटल आर मिल जाएगा, टोटल आर मिल जाएगा तो हमारा टोटल आई आ जाएगा, टोटल आई आ जाएगा उसको हमारा क्या आएगा टोटल पावर भी निकल के चलाएगा। तो यहां से आप लोग देखोगे तो यहां से देखो बेटा, यहां से करोगे तो यहां से क्या जाएगा, यहां से आपका आर कितना आएगा बेटा, यहां से आर आ जाएगा बेटा 3 ओम। तो यहां से जो इसका इंटरनल, इस डिपेंडेंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा 3 ओम आ गया। अब देखो ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, तो दोनों का यहां पे देखो बेटा ये 6 ओम है, यहां पे 6 ओम है बेटा, यहां पे 3 ओम है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तो कितना आएगा बेटा 3 × 6 = 6 / 3 = 2 बेटा। तो आपका यहां पे टोटल आर कितना आ गया 2 आ गया, तो काम खत्म हो गया बेटा। तो काम खत्म हो गया सर, यहां से पावर निकाल लो, तो पावर निकालो तो क्या बेटा होगा V² / R कर दो, या फिर आई निकालो फिर आई से निकाल लो बेटा, तो आई से कर, या तो फिर इसको कर दो V² / R। आर कितना बेटा आपका, आपका आर कितना आएगा 3 × 6 = 2, ये बेटा 3 × 6 ये 2 आएगा बेटा, ये 2 आएगा 3 × 6 / 2 = 6 ये 2 आएगा, यहाँ पर 2 ओम रख दो बेटा, यहाँ पर 2 ओम रख दीजिए और आपका आंसर आएगा बेटा। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो ये क्या आएगा, ये कितना 476 होता है बेटा, ये 476/2 कर दो और इसका आधा कर दीजिए, आपका आंसर निकल के चलाएगा बेटा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि कभी भी डिपेंडेंट सोर्स का उसके क्रॉस वोल्टेज या फिर आप लोग उसके क्रॉस रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट नहीं करते। स्टेप सीखो बेटा, ये क्वेश्चन कितना छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में मैक्सिमम अच्छे सुने करके आते, फिर उनका रैंक रुक गया था। तो आपका रैंक ना रुके बेटा, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम आ रहे हैं, चाहे आपका जेई लेवल हो चाहे ए लेवल हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप करिए बेटा। बिकॉज फिर मैं कह रहा हूं, कॉमन क्वेश्चन करने से कछु ना होगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज करना पड़ेगा। और जो अपडेट मैं देख रहा हूं पिछले दिनों से, तो बेटा अपडेट करके आपको चीजें सिखा रहा हूं, तो चीजों को सीखिए, खेलिए बेटा। और इसमें किसी को कोई भी डाउट बेटा प्लीज पूछिए, इफ एनीवन हैव एनी डाउट बेटा प्लीज आस्क, इफ नो देन प्लीज रेज योर थंब बेटा। ओके चलिए, ओके वेरी गुड, हाँ बेटा वेरी गुड, चलिए ओके, आई थिंक बात समझ आएगी बेटा, हाँ बेटा। तो समझाना बेटा बहुत जरूरी है आप लोग को, अभी इस क्वेश्चन को करना रहा, इस क्वेश्चन को करने में बस हम लोग को माइंड से करना, लेकिन इसको समझाने के बेटा हम लोग को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि बेटा क्या है डिप्लोमा लेवल के हैं, तो उनको हम लोग को समझाना पड़ता है। इसलिए हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं उसको ध्यान से आप लोग याद रखेंगे बेटा, ओके। तो बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा कि हमको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना जरूरी है बेटा, और उसके बाद हम लोग टोटल आर निकाल के इसका पावर जो डिलीवर करेगा वो हम लोग निकाल लेंगे बेटा, ओके चलिए वेरी गुड। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बेटा। कह रहा है कि आपका अगर वोल्टेज दिया हुआ इतना और इंपेडेंस इतना है, तो बताइए कि भैया आपका जो पावर ट्रायंगल होगा वो क्या होगा बेटा, पावर ट्रायंगल क्या होगा बेटा, व्हाट इज द पावर ट्रायंगल बेटा, ओके चलिए, व्हाट इज आंसर दिस केस। तो फिर से मैंने कहा बेटा ये क्वेश्चन 5 सेकंड ज्यादा कम हो जाएगा, 10 सेकंड इज मोर देन एनफ, इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड भी ज्यादा बेटा। कह रहा है, मैं यहां पे लिख देता बेटा, कह रहा है कि जेड आपको दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है आपको, यहां पे जेड दिया हुआ है 3 + J4 और वी दिया हुआ है आपको, वी दिया हुआ बेटा कितना 100 एंगल 0। तो कह रहा है कि आपका जो पावर ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, पावर ट्रायंगल क्या होगा बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फिर से मैं कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को, थोड़ा ध्यान सुनिए बेटा। हमेशा एक होता है इंपेडेंस ट्रायंगल, एक होता है इंपेडेंस ट्रायंगल और एक क्या होता है बेटा पावर ट्रायंगल, हमेशा याद रखिएगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको हमेशा याद रखिए बेटा, इंपेडेंस ट्रायंगल हो या फिर पावर ट्रायंगल हो, दोनों क्या होते हैं सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, मतलब कि तीनों जो आपका साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा सेम होता है। समझ जाइए फिर से, इंपेडेंस ट्रायंगल पावर ट्रायंगल क्या होते हैं, दोनों सिमिलर होते हैं, इसको लिख लीजिए बेटा, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको ये चीज, ठीक है बेटा। तो इंपेडेंस ट्रायंगल मैं इसको देख के बना सकता हूं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इंपेडेंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये देखो बेटा ये आर है, आर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 4 है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये हमारा इंपेडेंस ट्रायंगल हो गया, हमको इससे पावर ट्रायंगल बनाना बेटा। तो पावर ट्रायंगल में क्या होगा, आपका रेशियो यही रहेगा बेटा, आपको जो साइड का रेशियो रहेगा वो यही रहेगा बेटा, इसको हमेशा याद रखिएगा। इंपेडेंस ट्रायंगल हो चाहे पावर ट्रायंगल हो, जो साइड का रेशियो आएगा बेटा वो सेम आएगा बेटा, वो क्या आएगा सेम आएगा,
हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा बेटा, ओके। तो आपको इस ऑप्शन से चेक करना है कि कहां पे हमारा पावर ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो है वो 5-4-3 आ रहा है बेटा। तो बस यहां से देखिए इसको सॉल्व करोगे, देखा जाए बेटा 4-5 यहां से काटोगे, चलो यहां पे काटो इसको, यहां पे काटोगे तो ये जीरो काटोगे, दो जीरो, यहां पे दो जीरो काटिए, ये दो जीरो काटा, ये दो जीरो काटा, तो यहां पे क्या बच गया, यहां 16 बच गया। तो हम लोग काटेंगे इसे 2-10 जा, 2-6 जा और 2-4 जा, फिर काटते बेटा 2-5 जा, 2-3 जा और 2-2 जा, यहां पे क्या आ गया 5-3-2 आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए बेटा 5-4-3 चाहिए, तो हमारा ये आंसर गलत हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से 2 काटो, यहां 2 काटो, यहां 2 काटो, ये क्या आ गया बेटा आपका, यहां से करोगे बेटा आप लोगों, तो सॉल्व करोगे 5-4 जा, नहीं यहां से करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे किससे काटेंगे 4-5 जा, 4-4-16 और 4-3 लिखिए आ गया, ये 5 है बेटा, ये 4 है, ये 3 है, तो हमारा ये आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी हमारा क्या जाएगा बेटा, आंसर बी इज द राइट आंसर बेटा। हमेशा याद रखिए बेटा क्वेश्चन को जो हम तरीका बता रहे हैं उसे करा करिएगा, बिलीव मी, इसको जाके देखोगे ये बुक में इसका आंसर एक पेज में दिया हुआ है सोल्यूशन, ये एग्जाम में आ चुका है और 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकल जाएगा। हमने बस इसका यूज किया इंपेडेंस ट्रायंगल का, और एक कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं आपको, इंपेडेंस ट्रायंगल पावर ट्रायंगल दोनों सेम होते हैं, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, आपका आंसर कुछ भी पूछेगा निकाल लोगे, ओके। सो ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, ओके, बात समझ आ रही है जी, हाँ मैंने बताया बेटा वो समझ आया कि नहीं, एक बार समझ आ रहा है, दिखाइएगा सभी लोग, तब तक हम पानी पी लेते बेटा, तब तक हम पानी पी लेते हैं, ओके। अगर ये बात समझ में आ रही है ये बात हम दिखाइएगा सभी लोग, चलिए वेरी गुड है ना बेटा। तो हमेशा याद रखिएगा इंपेडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल क्या होता है बेटा, दोनों सिमिलर होते हैं, मतलब कि दोनों का जो रेशियो ये 3-4-5 है तो ये भी 3-4-5 ही रहेगा बेटा, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। कभी भी इसमें आपको बहुत ही क्वेश्चन 2-2-4-5-5 मिनट के क्वेश्चन को वो 10 सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। अभी क्वेश्चन का रेंज में लेके आऊंगा आगे चलकर बेटा, इसको दिमाग में रखिएगा, ओके, चलिए वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही बखूबी करें बेटा, ऐसे क्वेश्चन को देख के कभी भी डरिएगा मत बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को देख के कभी भी डरते नहीं है। जब भी ऐसे आता है बेटा, ऐसे आ जाता है तो बेटा ये सिलेक्शन ऐसे ही होगा बेटा, सिलेक्शन यही दिलाता है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाएंगे तो बेटा काम खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, प्यार से आराम से पढ़िए, आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं बेटा। कह रहा है कि जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसके अक्रॉस कितना आर होगा, तो यहां पे देखो बेटा, मैंने फिर से कहा इसके यहां पे देखा जाए तो बच्चे इसका आंसर क्या देंगे, करो बेटा इसका आंसर आप लोग दीजिए, इसका आंसर दीजिए बेटा, इसका आंसर आप लोग दीजिए, कोशिश कर बेटा, देखो दिया है कुछ नहीं इसमें, एक छोटा सिंपल सा आपको डायग्राम दिया हुआ है और बच्चे देखेंगे बेटा और सिंपल इसका आंसर दे देंगे, बट आपको आंसर इसका ध्यान से देना होगा बेटा, ओके, चलिए वेरी गुड, ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके, चलिए वॉट इज द आंसर, कह रहा है ये वोल्टेज सोर्स है उसका भैया कितना आपका वो यहां पे उसके क्रॉस कितना आपका आर दिखेगा बेटा। तो इसको ध्यान से सभी लोग मुझे को आंसर बताइए, फिर हम आगे बढ़ाएं बेटा, इसका ध्यान से सभी लोग बताइए बेटा, फिर हम आगे बढ़े बेटा, ओके, चलिए। तो हम अगर मैं बोल दू बेटा, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है बेटा, ओके, मैं कहूंगा कि हाँ यार ये पॉइंट ए है यहां आ जाएगा, ये पॉइंट बी 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 यहां चलेगा, यहां चलेगा, यहां चलेगा, यहां बी पॉइंट आ गया। मैं कह सकता हूं कि जो वोल्टेज है इस आर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा कितना होगा बेटा, वी वोल्ट होगा, अच्छी बात है, अच्छी बात है बेटा। अब चुपचाप से यहां पे तुम केसीएल लगा दो, यहां पे तुम केसीएल लगा दोगे तो ध्यान से देखो, यहां पे देखोगे तो यहां से आई आ रहा है, आई बाय फोर इसमें चला गया, तो इसमें कितना जाएगा बेटा, इसमें जाएगा आई बाय थ्री, इसमें कितना बेटा आपका जाएगा आई बाय थ्री, अरे भैया आई बाय थ्री प्लस आई बाय फोर जोड़ोगे तो सॉरी ये कितना जाएगा बेटा, सॉरी ये कितना जाएगा बेटा, ये आई में से आई बाय फोर, आई में से आई बाय फोर माइनस कर दोगे तो कितना बेटा यहाँ पे हो जाएगा थ्री आई बाय फोर, थ्री आई बाय फोर, तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा आपका थ्री आई बाय फोर, थ्री आई बाय फोर बेटा। बस अब यहां से सॉल्व कर दो बेटा, अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा, यहां से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहां से आंसर आ जाएगा बेटा। यहां पे कैसे लगा लो बेटा, यहां पे कैसे लगा लो, यहां से कैसे लगाओगे तो यहां पे क्या जाएगा आई इज इक्वल टू क्या बेटा आपका आई बाय फोर प्लस क्या बेटा आपका यहां से क्या जाएगा बेटा थ्री आई बाय
4, ओके। तो यहां से इसको सॉल्व कर लोगे और आपको पता है यहाँ पे जो 3i/4 है ये क्या बेटा, ये आपका क्या बेटा, दिस इज योर v/4 बेटा, ये क्या है i/4, इसको क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या है आपका प्लस v/r बेटा, v/r है। तो यहां से इसको सॉल्व कर लो और v या r क्या है यहाँ पे v/4 है, दिस इज योर 4, बस आपको v/i का रेशियो बेटा, v/i का रेशियो निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है बेटा, ओके। चलिए वेरी गुड, तो आई थिंक यहां से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो बेटा, यहां से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर बेटा। अब देखिए, अब यहां से जाओगे इस आई बाय फोर को इधर ले आओगे, तो क्या बेटा आई बाय फोर को यहां पर ले आओगे बेटा, इस आई बाय फोर को यहां पर ले आओगे, तो क्या जाएगा i-i/4 इज इक्वल टू क्या बेटा v/4, जैसे क्या बेटा 3i/4 इज इक्वल टू v/4, तो यहां से 4 से 4 कट गया, तो यहां से v/i कितना जाएगा बेटा, v/i क्या होता है आपका r होता है बेटा, r डैश होता है, तो कितना जाएगा आपका 3 आ गया। तो इसके क्रॉस देखने में तो लग रहा है कि सिर्फ 4 ओम है, लेकिन ओवरऑल जो r आएगा वो क्या आएगा सर आपका, दिस इज योर 3, दिस इज योर 3 ओम। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, तो गलती मत करिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन बेटा, इसलिए सिंपल रखिए, चीजों को सिंपल रखिए और आंसर करिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को जल्दी करना होगा तो मैं कैसे करूंगा बेटा, इस क्वेश्चन को जल्दी करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, मैंने कहा कि यार इसमें जा रहा है आई बाय फोर, तो इसमें कितना जाएगा 3i/4, ये जो 3i/4 इसमें जा रहा है, ठीक है बेटा, ये 3i/4 इसमें करंट जा रहा है बेटा, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये किसके बराबर, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है वी है, ये किसके बराबर हो जाएगा v/4 के बराबर हो जाएगा, क्यों भैया यहाँ पे जो आई होगा वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा v/4, v/r, v/4, बस यहाँ से 4 से 4 काटा, v इज इक्वल टू 3i, तो यहाँ से v/i कितना आ जाएगा आपको 3 आ जाएगा। तो यहाँ से दो स्टेप हमने कर दिया, लेकिन समझाने के लिए बेटा हम लोग समय लेना पड़ता है, ताकि बेटा हर बच्चे को चीजें समझ में आए, फिर वो प्रैक्टिस करे और आंसर निकाले। तो हमेशा याद रखिए, सिंपल एक ओम्स लॉ पता है, प्रवीण सर के ट्रिक्स पते हैं, प्लीज बिलीव मी आप लोग का सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि क्वेश्चंस को बिल्कुल भी अच्छे से किया करें बेटा, ओके। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आप लोग, ओके। चलिए वेरी गुड, अभी देखो बेटा क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है भैया, यहाँ पे टाइम पीरियड पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे पूछ रहा है कि एक फंक्शन हमारा दिया हुआ है, उसका ये रहा एक वैल्यू ये दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका ओवरऑल टाइम पीरियड क्या होगा। जैसे मान लो यहां दिया होता ft इज इक्वल दिया होता साइन 2t, हम भैया क्या ये ओमेगा दिया हुआ है, हम कहते भैया क्या t इज इक्वल टू क्या होता है 2π/ω, हम कहते बेटा क्या 2π/ω करते, यहाँ पे कहता 2π/π/π आ जाता, 2π/π होता 2 हो जाता, ये होता पाई आ जाता, लेकिन सर यहाँ पे दो फंक्शन दिया है, तो जब भी दो फंक्शन दिया होता है बेटा उस केस में हमेशा याद रखिएगा हम लोग, ये देख बेटा ये क्या दिया है, दिस इज योर ω1, ये क्या बेटा आपका ω1 हो गया, ये क्या होगा बेटा ω2। कभी भी टाइम पीरियड निकालते वक्त हमेशा याद रखिएगा आप लोग हमेशा रेशियो निकाल के चेक कर लिया करें, ये जो रेशियो आना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, ओके। अगर ये रैशनल नहीं होगा तो बेटा आपका टाइम पीरियड नहीं निकलेगा बेटा, इस बात को हमेशा रखिएगा। मान लीजिए इसका रेशियो ऐसा आ गया, तो कभी भी इसका टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हमेशा इसको चेक कर लिया करिए कि हाँ भाई ω1/ω2 क्या आ रहा है, आपका रैशनल नंबर होना चाहिए, अदरवाइज आपका टाइम पीरियड नहीं निकलेगा सर, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए बट्टा। तो यहां से इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1/3 आ रहा है, मतलब ये आपका रैशनल नंबर बेटा, ओके। चलिए इट मींस सर, इट मींस क्या हो गया सर, यहां से अब क्या करेंगे, अगर ये टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है आपका 2π/ω, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो भी आपका ओमेगा दिया होता है चाहे जितना भी दिया, यहाँ पे दो ही दिया हुआ है, 5 दिया हो 10 दिया हो, हमेशा HCF निकाला करो, क्या निकाला बेटा ओमेगा का आप लोग HCF निकाल लेकर, चाहे जितना भी दिया हो, यहाँ पे 2 दिया है तो हम 2 का HCF निकाल लेंगे, उसको यहाँ पुट कर देंगे, हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। तो यहाँ पे HCF निकालो किसका बेटा ओमेगा का, ये कितना बेटा 1.1 है और ये क्या है 3.3 है, तो 1.1 और 3.3 में जो HCF आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा आपका, वो 3.3 आ जाएगा, 1.1 और 3.3 में कितना आएगा बेटा आपका, कितना HCF आएगा 1.1 HCF आएगा बेटा, तो इसको यहाँ पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो आंसर इन दिस केस कितना है बेटा, आंसर विल बी बी, तो यहाँ पुट कर दोगे 2π/2π/1.1, तो आंसर विल बी बी। लेकिन याद रखिएगा, मान लीजिए इसमें ऐसे दिया होता, मान लीजिए मैं यहीं पे देता बेटा, मान लीजिए मैं यहीं पे देता हूँ, मान लीजिए बेटा मैं यहीं पे देता हूँ साइन अंडर रूट 2t प्लस साइन 3t, इस सब बोलेगा कि हाँ निकालो, इसका निकालो बेटा, इसका निकालो, तो ये क्या है बेटा, ये आपका
ई रेशनल नंबर आ जाएगा तो इसका आप लोग टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते, इसका बट आप लोग टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते बट इसको इसका आंसर लिख देना नन ऑफ दिस ओके। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार आया हुआ था बार्क में क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो ऐसे क्वेश्चंस में गलती नहीं करिएगा, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और रैशनलिटी चेक करना बहुत ही जरूरी है बेटा ओके। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। तो इसमें कह रहा है कि भैया बताइए, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, इसमें आई पूछ रहा बेटा। इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकंड इज मोर देन एनफ, 10 सेकंड माइंड से खेलोगे तो इसका आंसर 10 सेकंड में आ जाएगा बेटा, 10 सेकंड में इसका आंसर आएगा बेटा। तो व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, व्हाट इज द आंसर इन दिस केस बेटा, चलिए बताइए बेटा, वेरी गुड, व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, बहुत ही प्यार से ध्यान से इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा, व्हाट इज द आंसर बेटा। मैंने कहा ना बेटा इसका आंसर 10 सेकंड ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, 10 सेकंड से ज्यादा ले रहे हो आप लोग, इट मीन्स आप लोग थोड़ा गलती करो बेटा, 10 सेकंड इज मोर देन एनफ बेटा, 10 सेकंड इज मोर देन एनफ, फिर भी आप लोग ट्राई करिए, आप लोग ट्राई करिए और आंसर देने की कोशिश करें बेटा ओके। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, ओके ओके वेरी गुड, बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही है ओके। चलिए बेटा मैं करता हूं, देखिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा मैंने फिर से पहले भी आपसे कहा है कि क्वेश्चंस को बस देखा करिए और सॉल्व करा करिए, ज्यादा पेन पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं होती ओके। ये देखो बेटा यहाँ पे क्या है, इसका सोर्स ट्रांसफॉर्म करो, इसका सोर्स ट्रांसफॉर्म करो और आंसर निकाल दो, तो देखोगे तो चलो इसको बिना पेन पेंसिल करते हैं। तो ये 10 और 4 क्या हो गया, 40 वोल्ट हो गया, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, ठीक है बेटा, इधर क्या हो जाएगा 8/40, इधर भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे दिया हुआ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा बेटा, आपको दिखेगा इसका प्लस इसके माइनस जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 40 वोल्ट, यहाँ पे क्या बेटा 40 वोल्ट, ये 40 वोल्ट क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 80 वोल्ट, और 80 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना आपका 8 × 4 = 12 और 28, कितना हो जाएगा आपका 40, ये 40 हो गया बेटा, तो 40 ये कितना हो गया, ये 40 ओम, ठीक है, तो कितना आ गया आपका 2 एम्पीयर, तो आंसर विल बी 2 एम्पीयर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग माइंड से करोगे तो हो जाएगा, देखो मैंने क्या किया, मैंने किया बेटा इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 40 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे, इसी ओर 40 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे आर आएगा सीरीज में, ठीक है बेटा, पहले से एक आर दिया हुआ 28, ठीक है बेटा, ये आई पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे करोगे तो इसका कितना आएगा, इसका भी आ जाएगा 40 वोल्ट और आपका आर सीरीज में आ जाएगा, तो आर कितना यहाँ पे 8 है और हमने यहाँ पे लगा दिया बेटा क्या, एक वोल्टेज लगा दिया बस, तो सर्किट बनेगा हमारा ये 40 वोल्ट यहाँ भी है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से बेटा, तो इसका जो प्लस है इसका माइनस यहाँ पे, तो इसका प्लस इसके माइनस जुड़ा हुआ है, तो क्या आ जाएगा बेटा ये 40 40 80 हो जाएगा बेटा, 80 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना आपका जोड़ोगे तो यह जाएगा 40, तरीके जाएगा आपका 2 एम्पीयर। ऐसे क्वेश्चंस में केवीएल केसीएल वैसे नहीं लगाते, दिमाग से करोगे तो आंसर आता है और आ गया आपका भी आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चंस विद इन सेकंड्स होते हैं, बस आप लोग को अप्रोच सीखना है जो हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं बेटा, कि यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे, यहाँ पे अब ये मत करना कि हाँ यहाँ पे नोड लगा रहे हो, यहाँ पे नोड लगा रहे हो, फिर यहाँ नोड लगा रहे हो, बेटा उससे भी आंसर आएगा लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा और उतना समय हमारे पास एग्जाम में होता नहीं बेटा ओके। चलिए वेरी गुड, आगे देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो बेटा, अगेन इस क्वेश्चन में ज्यादा समय मत लेना, इस क्वेश्चन में ज्यादा समय मत लेना बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए आपका, 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए बेटा, इसका आंसर 10 सेकंड, अब मैं बोल रहा हूं तो मतलब बेटा बोल रहा हूं, 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आना चाहिए बेटा। रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है, आपके जो प्लांट कैपेसिटी है उसमें से मैक्सिमम डिमांड को माइनस कर दोगे तो आपके पास जो बचेगा उसी को रिजर्व कैपेसिटी कहते हैं, आपके पास 100 रुपए है, मैक्सिमम डिमांड जो है 90 रुपए की है, तो उसको से माइनस कर दोगे जो 10 रुपए बचा है वही क्या है आपके प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी होती है बेटा। तो वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को भी डील करना है और निकालना बेटा, देखो कैसे करते हैं, मुझे ये पता है कि भैया प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है बेटा आपका प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर इनटू क्या बेटा आपका लोड फैक्टर। तो यहां से हमने ये देखा कि हमको प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है,
50%, ठीक है बेटा, यहाँ 50 इतना हो गया, ये 50% ये 50% कर दो, या फिर इसको डायरेक्ट लिख दो, कितना लिखो बेटा इसको, देखो मैं ये माइंड में करने वाली चीजें हैं, 0.5, ओके, इसको तो क्या प्लांट प्लेजर फैक्टर कितना इंटू क्या बेटा आपका, ये कितना आपको दिया है लोड फैक्टर 0.6, ओके। तो यहां से PUF, यहां से PUF कितना आ गया बेटा 5/6 आ गया। अब PUF प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है आपका, ये होता है बेटा आपका मैक्सिमम डिमांड बाय प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी, ओके। अब देखो ध्यान से, हम प्लांट कैपेसिटी में से मैक्सिमम डिमांड को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमको रिजर्व कैपेसिटी मिल जाएगा, हमको रिजर्व कैपेसिटी मिल जाएगा। प्लांट कैपेसिटी में से बेटा मैक्सिमम डिमांड माइनस कर दोगे तो रिजर्व कैपेसिटी मिल जाएगा। तो ये रहा प्लांट कैपेसिटी, ये रहा मैक्सिमम डिमांड, तो 6 में से माइनस कर दोगे 5 को तो 1 बच जाएगा, ये आपको क्या जाएगा रिजर्व कैपेसिटी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, आपको मैक्सिमम डिमांड जो 5 है वो आपको दिया हुआ कितना बेटा, आपको मैक्सिमम डिमांड दिया है 30, अगर 5 = 30 है तो 1 = क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 1 ही = तो क्या है हमारा, 1 = क्या है रिजर्व कैपेसिटी है, तो हमारा 6 जो है हमारे पास 6 MW क्या हो गया हमारा रिजर्व कैपेसिटी हो गया। इस क्वेश्चन को आपको कहीं भी पूछे, किसी भी एग्जाम में पूछे, जो तरीका बता रहे हैं बेटा इसी तरीके से जाइएगा, बिलीव मी आंसर 10 सेकंड के अंदर आएगा और यहाँ पे आप लोग को इसको देख सकते हो बेटा, ओके। तो क्वेश्चन को ऐसे करा करिए, हाँ हम देखते थे, हम ये देखते कि हाँ यार PUF क्या हो जाएगा, PUF हो जाएगा आपका लोड फैक्टर बाय क्या बेटा आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, हम ऐसे तुरंत लिख देते इसको 6/5 तो उल्टा हो जाता, ठीक है बेटा, इसलिए इसको ऐसे 5/6 प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बाय इस बार इसको माइनस कर देते हैं बेटा, और जो आ गया आपका उसके बाद उसको रीअरेंज कर देते हैं। तो इसको हमेशा आप लोग एग्जाम में ऐसे ही करोगे और अपने को सॉल्व करोगे, ओके सर। चलिए आई थिंक बस में आ गए होगे, ओके चलिए। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन करेंगे, अपना एक्चुअल वैल्यू यहां पर मत निकाल करेंगे, हाँ पहले आप लोग प्लांट कैपेसिटी निकालोगे, पहले प्लांट कैपेसिटी निकालोगे वो आएगा आपका 36 आएगा, फिर मैक्सिमम डिमांड निकालोगे फिर वो 30 दिया हुआ है। तो ऐसे अब इतना समय नहीं होता बेटा, इतना समय सब्जेक्टिव में देते हैं, ऑब्जेक्टिव में इतना समय नहीं देते बेटा, ओके। चलिए इस क्वेश्चन में बेटा ये क्या आप कह रहा है, आपका लेसेजियस पैटर्न है, ठीक है बेटा, किसमें ऑस्किलोस्कोप का है बेटा, कह रहा है कि वर्टिकल में जो मैक्सिमम वैल्यू है उतना 6 दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल की मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है आपको, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल की, तो निकल जाएगा बेटा वर्टिकल की, आपको पता है FY/FX जो होता है वो क्या होता है बेटा आपका, आपका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बाय क्या बेटा आपका वर्टिकल टेंजेंट बेटा, ये हमने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है बेटा, ये CRO का है बेटा, ठीक है। तो आपको हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है तो आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी पूछा, वर्टिकल फ्रीक्वेंसी पूछा, ये दिया आपको 1500, ठीक है, और आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कितना दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल दिया है 5, वर्टिकल 6, सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा बेटा। यहां से जो भी आंसर आएगा आप लोग इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, द आंसर विल बी व्हाट बेटा, द आंसर विल बी व्हाट, यस। तो गलती यहाँ पे ये होगी कि 5/6 होगा कि 6/5 होगा, तो इसी में सारी गलती होगी बेटा, सारी गलती इसी में होगी कि 5/6 होगा कि 6/5 होगा, और यही हम देखना चाहते हैं, यही हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने लोग इसमें करोगे। देखो आंसर दोनों दिए हैं यहाँ पे, आंसर दोनों दिए हुए हैं, आपके ऊपर है कौन सा आपने लगाओगे वही आपका बेटा मैटर करेगा कि हाँ सही कौन सा है गलत कौन सा है बेटा, ओके। तो इसका आंसर कितने लोगों का 1800 आया है और कितना लोगों का 1250 आ रहा है, तो इसी में दोनों में से एक आंसर सही है, अब वो कौन सा है वो आप लोग देख लो बेटा। और अच्छा तीसरा भी आंसर आ गया बेटा, चलो तीसरा भी आ गया कोई बात नहीं बेटा, तीसरा भी अगर आ रहा है तो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ओके वेरी गुड, ओके सर, ओके यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे तो आंसर आते हैं बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से करोगे तो आंसर आएगा बेटा। तो आंसर क्या आएगा बेटा इस केस में, इस केस में आंसर जिसका जिसका जो भी आ रहा है वो ध्यान से निकाल लो और आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हाँ यार इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं और वही कंफ्यूजन बेटा आप लोग को रैंक से रोकेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर इसका आंसर आप लोग मुझे बॉक्स में दोगे, ओके चलिए वेरी गुड। आइए बेटा दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ छोटा सा क्वेश्चन बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा और इसमें गलती नहीं होगी, इसमें गलती नहीं होगी। सो व्हाट इज आंसर दिस केस, चलिए व्हाट इज आंसर दिस केस, व्हाट इज द
आंसर इन दिस केस? सब लोग दीजिए, सब लोग दीजिए। छोटा सा ट्विस्ट कर दिया था उसने, छोटा सा ट्विस्ट किया था एग्जामिनर ने। मैक्सिमम एग्जाम में क्या होता है, पूछता है कि एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज मोर सेंसिटिव, पूछता है एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज मोर सेंसिटिव इफ इट्स टॉर्क टू वेट रेशियो इज। तो बच्चा हमेशा याद रखता है क्या बेटा, इसमें क्या होता है, मच लार्जर देन यूनिटी। हम चाहते हैं उस केस में क्या होता है, टॉर्क बाय वेट रेशियो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन होना चाहिए। लेकिन इस बार एग्जाम में उसने थोड़ा सा ट्विस्ट खेला, उस केस में बच्चे ने क्या किया, आंसर गलत लगा के आए थे, यही लगा दिया था और उन्होंने इसको देखा नहीं बेटा। द आंसर इज कि किस केस में आपका सेंसिटिव नहीं होगा, तो किस केस में सेंसिटिव नहीं होगा बेटा, तो इसलिए मैंने कहा हर वर्ड को एग्जाम में पढ़िएगा, वो आपके साथ माइंड गेम खेलेगा बेटा, और जहां माइंड गेम खेला सारा खेल बिगड़ जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर यू शुड डू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। टॉर्क बाय वेट रेशियो किस में ज्यादा सेंसिटिव नहीं होगा, तो बेटा वो क्या होगा, उस केस में लेस देन यूनिटी होगा। मोर सेंसिटिव किस में होगा बेटा आपका बेटा किस में होगा, जब टॉर्क और वेट रेशियो ज्यादा होगा, इसमें कम पूछ रहा है बेटा, तो कम इसमें ध्यान रखिए बेटा। ओके चलिए, सो वेरी गुड, सभी लोग आंसर सही दे रहे हो, इट मीन सर आप लोग बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हो बेटा। ओके ये अगला क्वेश्चन बेटा, ये रहा अगला क्वेश्चन। एक ओवरहेड लाइन सर्ज है ठीक बेटा, उसमें 400 ओम का आपका टर्मिनेटेड है ठीक है बेटा, तो कह रहा है हाँ बेटा, किस केस में हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन लाइन है बेटा, ट्रांसमिशन लाइन है उसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है 400 ओम ठीक है। कह रहा है कि लोड पे हम लोग क्या वैल्यू लगाएंगे, लोड पे हम लोग क्या एन ओवर लाइन सर्ज इंपेडेंस इतना केवल इतना ठीक है बेटा। कह रहा है हमारा लाइन इंपेडेंस है, यहाँ पे लोड इंपेडेंस है बेटा ZC, उसको हम लोग क्या रखें कि हमारा जो कोफिशियंट हो, हमारा जो क्या बेटा रिफ्लेक्शन जो हो, हमारा जो रिफ्लेक्शन हो वो क्या बेटा कुछ भी रिफ्लेक्शन ना हो, हमारा जो कोई भी सिग्नल में जो भी वोल्टेज करंट आ रहा है उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए बेटा, उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए बेटा। ओके तो आंसर क्या बेटा, तो देखिए बेटा यहाँ 400 है, तो अगर यहाँ भी 400 होगा तो कोई भी अगर इम्पीडेंस में चेंज नहीं होगा तो हमारा जो सिग्नल है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा बेटा। तो याद रखिएगा इस केस में आपको आंसर आएगा बेटा आपका, अगर ZC क्या हो जाएगा 400 के बराबर होगा, उस केस में हमारा जो सिग्नल है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो इस केस में बेटा आंसर 400 होगा। तो 400 यहां दिया है, नहीं दिया है, ये भी नहीं है, तो आंसर ये डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ओके चलिए इस क्वेश्चन को बेटा, इस क्वेश्चन करिए बेटा, ये भी अगेन सिंपल क्वेश्चन है, आराम से ध्यान से प्यार से करोगे ठीक है बेटा। तो लोड फैक्टर क्या बेटा आपका, एवरेज बाय मैक्सिमम, एवरेज दिया हुआ है आपको 30 × 30 यूनिट दिया हुआ है किलोवाट आवर, और आपको मैक्सिमम दिया हुआ 22 किलोवाट। भैया हमको आवर को हटाना है यहाँ से आवर को हटाओगे तो हमको भैया यहाँ पे आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये डेली है, डेली में कितना आवर होता है आपका 24 आवर होता है, 24 आवर, तो आवर से आवर कट गया, किलोवाट से किलोवाट कट गया, ये कट गया बेटा, यहाँ से सॉल्व कर दो इसको, यहाँ से कट जाएगा 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, ये क्या जाएगा 5/8, इसको बेटा आप निकालोगे परसेंटेज में तो कितना आएगा बेटा, ये परसेंट में निकालोगे तो कितना आएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा 12.5 62.5% आ जाएगा बेटा। ओके ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि हाँ यूनिट मतलब क्या होता है, दिस यूनिट इज नथिंग बट योर एवरेज पावर, ये क्या बेटा आपका, आप घर में जो आपका यूनिट आती है वो कैसे आती है बेटा, आपके पूरे महीने की एवरेज पावर को निकाला जाता है, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा दिस लोड एवरेज लोड इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, कैसे निकालते हैं, एवरेज लोड इंटू टाइम कर देते हैं, उससे आपका नंबर ऑफ यूनिट निकल जाता है बेटा। ओके आंसर इज दिस इज द राइट आंसर बेटा। ओके चलिए वेरी गुड, ये रहा नेक्स्ट बेटा, यूजेटी इज नोन एज बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते बेटा, यूजेटी को हम लोग क्या बोलते बेटा, व्हाट इज द आंसर फॉर द यूजेटी बेटा, यूजेटी को हम लोग क्या बोलते बेटा, व्हाट इज योर आंसर। ओके वेरी गुड, यूजेटी इज ऑल्सो नोन एज बेटा, यूजेटी को हम लोग क्या बोलते बेटा, वेरी गुड, यस ये अच्छा क्वेश्चन बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है,
सिंपल है, लेकिन बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं बेटा, बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो इसका आंसर, इसका आंसर बहुत ही ध्यान से दीजिएगा, सभी लोग के लिए होमवर्क है, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जब हमारा टेस्ट सीरीज होता है, टेस्ट सीरीज में जब लोग इस क्वेश्चन डालते हैं, तो बच्चा इसमें सिर्फ 39% बच्चे इसको सही करते हैं। ठीक है बेटा, तो आराम से ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए बेटा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड अगली बार इसमें गलती मत करना। यहाँ बीजेटी होता है तो वो आपका करंट कंट्रोल डिवाइस हो जाएगा, अगर यहाँ पे बीजेटी होता तो आप लोग करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते, मॉस्फेट होता तो आप लोग बोल देते क्या बेटा आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता, लेकिन बेटा यूजेटी में दिक्कत बच्चे गलती करते हैं। तो बेटा इसके लिए मुझे आप लोग, ये आपका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए बेटा, इसका आंसर क्या होगा सर, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। ओके, इसको ध्यान से प्यार से आराम से इसका आंसर बताइए बेटा, और हम लोग इसको करेंगे बेटा। ओके चलिए, वेरी गुड, ठीक है रहा भैया। स्टेप अप चॉपर, जो आपका स्टेप अप चॉपर होता है सर, आपका जो स्टेप अप चॉपर होता है सर, जो आपका स्टेप अप चॉपर होता है सर, उसका जो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो आपको अभी पता है ये क्या होता है, स्टेप अप चॉपर क्या होता है, ये आपका बूस्ट होता है, कहता है बूस्ट कन्वर्टर होता है। तो ये क्या होता है बेटा, द आंसर इज दिस इज वी एस, वी नॉट इज ऑल्ड अभी लिखाया था अपने ऊपर, वी एस अपॉन वन माइनस ए सर, आंसर इज दिस इज द डी इज द आंसर बेटा। ओके, डी इज द राइट आंसर। ओके चलिए, वेरी गुड, चलिए। सो नेक्स्ट कह रहा है कि भैया कौन सा ऐसा गेट है, इसमें से कौन सा गेट है बेटा, इसमें से कौन सा गेट है जिसमें कि आपका आउटपुट वन आएगा अगर सारे इनपुट जीरो होंगे, अगर सारे इनपुट को जीरो कर दिया जाए तो इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा गेट है जिसका सारा इनपुट जीरो होने पे आउटपुट वन आता है। ये भी क्वेश्चन आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन बच्चे एग्जाम में जब बैठते हो ना बेटा वहां पे, तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान से समय कम रहते हुए इस क्वेश्चन को करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा बेटा, एक तो बेटा और देखो, एक तो और हो गया, तो और में जीरो जीरो होगा तो आप कहां से जीरो आएगा, लेकिन यहाँ पे नॉर को मतलब नॉर में आंसर वन आएगा, और लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉर नहीं दिया है तो नॉर आ गया बेटा, तो हमको एक नॉर दिख गया यहाँ पे, चलो भैया नॉर में हमारा, देखो बेटा नॉर में क्या होता है, और में क्या होता है, जीरो जीरो पे आप कहां से जीरो आता है, तो नॉर में क्या आया बेटा, नॉर में क्या आया बेटा आपका वन आ जाएगा, इसी का इनपुट जाएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा वन, मतलब हमारा नॉर गेट तो होगा ही होगा। तो भैया नॉर गेट होगा तो इसके बाद सर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा सर, और नैंड भी हो सकता है बेटा। ओके, तो उसके बाद और क्या बेटा, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा। ओके चलिए, एक नैंड भी करोगे, नैंड भी क्या होगा, जीरो जीरो रखोगे तो आपका आंसर वन आएगा। तो दिक्कत यहां पे ये आएगी कि यहां पे एक्सोर, एक्सोर बेटा देखो, एक्सोर में जीरो जीरो करोगे आपको, या वन वन करोगे तो आपका आंसर जीरो ही आएगा, तो इससे मतलब आंसर विल बी डी, डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। नॉर नैंड दिया बेटा यहाँ पे, नॉर नैंड यहाँ पे दिया नहीं है ना बेटा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ ऊपर से नॉर उठा लिया, नीचे से नैंड उठा लिया, नहीं बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा, नैंड सही है बेटा, लेकिन एक्सोर, एक्सोर में क्या होता है, आपका जो दोनों इनपुट होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, जब अलग अलग होगा तभी आपका आउटपुट वन आएगा। तो यहाँ पे भैया कह रहा है कि सारा इनपुट जीरो होगा, तो अगर एक्सोर में सारा इनपुट जीरो हो जाएगा तो बेटा आपका वन आएगा ही नहीं, इसका मतलब आंसर क्या आएगा बेटा, एक्सनॉर। तो नॉर एंड एक्सनॉर इज द राइट आंसर, क्योंकि भैया एक्सोर का जब आपको बेटा एक्सोर में क्या होगा, जीरो जीरो मतलब जीरो आएगा, तो उसको जब नॉट से दोगे तो वन आ जाएगा बेटा, मतलब आंसर इज दी। तो क्वेश्चन को रटिए मत, ध्यान से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, सारे क्वेश्चन बेटा आए हुए एग्जाम में, दोबारा रिपीट हो सकते हैं, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर लो बेटा। इस केस में आंसर विल बी नॉर गेट, नॉर गेट में सारे इनपुट जीरो होंगे तो आपका आउटपुट वन आएगा, एक्सनॉर में सारे इनपुट जीरो होंगे तो आपका आउटपुट वन आएगा, गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि मान लीजिए हमने इस पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, इस पे हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो सर हमारा जो आंसर इसमें से आएगा वो क्या आएगा, तो सेम सी बात बेटा, ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो भाई ये कह रहा है ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो इस केस में आंसर क्या होगा बेटा, इस केस में आंसर क्या होगा, सो व्हाट इज द आंसर इन दिस केस बेटा, इस केस में आंसर क्या होगा बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा बेटा, इस केस में आंसर क्या होगा बेटा,
वेरी गुड, ब्रेक करो बेटा, ब्रेक करो इसको, जहां पे ब्रेक द लाइन चेंज द साइन बेटा। तो आपको बस देखिए यहां से ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा, डॉट है यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ऐसी जगह देखो जहां पे एफ डैश है प्लस है, एफ डैश कहीं दिख रहा है आपको, एफ डैश यहाँ दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, यहां से आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, हमेशा ऐसी चीज को पकड़िए जहां से आपका आंसर तुरंत आए। तो यहां पर देखिए एफ डैश एफ डैश एफ डैश कहीं नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ एफ डैश हो जाएगा, यहाँ प्लस भी दिख रहा है, तो हमारा आंसर 100% यही सही होगा। जो सॉल्व भी करोगे तो आपका आंसर यही आएगा बेटा। तो इधर से ना सॉल्व करके इधर से कभी भी सॉल्व किया करो, आप लोग का आंसर आएगा। तो एग्जाम में हमेशा दिमाग में ये रखिएगा कि क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, ऑप्शंस को चेक करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। बिलीव मी आपका समय बचेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज फिर तो वही रहेगा कि हाँ किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन करोगे तो कम से कम ये एक मिनट ले लेगा और आप तब भी आंसर आपका यही आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से इसको करोगे, बैक साइड से सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, दिस इज सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं सर। ओके चलिए, कह रहा है कि जो आर्किंग कॉन्टेक्ट होता है किसमें, सर्किट ब्रेकर में, वो हम लोग किस मटेरियल से बनाते बेटा। आर्किंग कॉन्टेक्ट जो होता है बेटा वो किस मटेरियल से बनाते बेटा, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी ए में आया बेटा, ये यूपीपीएससी ए में आया, जाके एग्जाम में देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा और ये क्वेश्चन देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आर्किंग कॉन्टेक्ट जो होता है वो आप लोग किससे बनाते हो, दैट इज नन अदर देन कॉपर टंगस्टन ऑयल। ठीक है, कॉपर टंगस्टन ऑयल बेटा, ओके वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपके यूपीपीएससी में भी आ चुका है, इसलिए ध्यान से प्यार से आराम से क्वेश्चन को कर लीजिए। एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूपीपीएससी ए बेटा, क्या है यूपीपीएससी ए का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से, 2019 में आया था ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पता नहीं कितनी बार कराए हुए हैं, यूपीपीएससी जे में भी आ चुका है, आर्मी में भी आ चुका है, तो हर स्टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब मैटर ये क्या करता है बेटा, इसमें मैटर ये करता है कि आप कितने जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका आंसर अगर आप लोग 10 सेकंड से ज्यादा लोगे आंसर निकालने में, मतलब आप लोग थोड़ा सा लैग कर रहे हो, पीछे हो बेटा, क्योंकि बहुत सारे हम लोग ऐसे चीजें सीख ली हैं कि इसका आंसर आपका 10 सेकंड के अंदर आना ही आना चाहिए बेटा। 10 सेकंड के आंसर ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स आपका आंसर भाई सही नहीं करो बेटा। ओके देखिए ये क्या बेटा, आपका फिर से सिखा दे रहा हूँ, दोबारा से कभी गलती मत करना, ठीक है। दिस इज योर सिटी, ये सिटी बेटा, यहाँ मान लो आपका क्या है रिले लगा हुआ, यहाँ पे आपका रिले लगा हुआ बेटा। ओके तो सिटी का ये प्राइमरी हो गया, प्राइमरी क्या आपका, दिस इज प्राइमरी 400। ओके ये क्या सेकेंडरी 5। ओके तो कह रहा है कि आपका पीएसएम क्या होगा, तो प्लस सेटिंग मल्टीप्लाई क्या होता है आपका रिले, सेकेंडरी फॉल्ट क्या होता है आपका रिले सेटिंग, रिले सेटिंग। देखिए कह रहा है रिले कितने पे सेट है आपका, 50% पे, तो आपका रिले का जो करंट आ रहा है कितना आ रहा है, इसे 5 आ रहा है, तो 5 का 50% कितना हो गया 2.5 है ना बेटा। और सेकेंडरी फॉल्ट करंट कैसे निकालोगे, अगर 400 है तो यहाँ 5 है, अगर यहाँ पे कितना हो गया आपका 2000 हो जाएगा, मान लो ये 2000 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, ये कितना गुना हो गया, ये कितना गुना हो गया बेटा, ये कितना गुना हो गया आपका 5 times हो गया, तो इसको भी 5 times कर दो, ये कितना जाएगा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 25 बेटा बस, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ से 10। तो योर पीएसएम इज योर 10 प्लग सेंटीमीटर वाइज 10। तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा कि आप लोग इसका 50% किसका, इसका निकालो 2.5। उसके बाद अगर आपको क्या हो रहा है 400 प्राइमरी में है तो सेकेंडरी में 5 है, अगर प्राइमरी में 2000 हो गया तो कितना टाइम्स हो गया, 5 गुना हो गया, 5 गुना हो गया तो बेटा इसको 5 गुना कर दो, 5 गुना करोगे तो कितना जाएगा ये 25, आंसर आ जाएगा 10। तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा अप्रोच जो सिखाया जाता है यहाँ पे उसको सीखिए बेटा। बहुत लोग कॉपी कर चुके हैं, बहुत लोग सिलेक्शन पा चुके हैं, आप लोग की बारी है, ले लीजिए, पा जाइए बेटा और आगे पढ़ के निकल जाइए। ओके तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच हैज बीन केम इनटू द एग्जामिनेशन। अब मान लो बेटा इसी यहीं पे हम कर दें इसको, इसको हम कर दें बेटा क्या 500, इसको मान लीजिए हम कर दें 500, इसको लिख दिया हमने 500:5। ओके उस केस में आंसर क्या आएगा, उस केस में आंसर क्या आएगा, व्हाट विल बी द पीएसएम, इस केस में पीएसएम क्या आएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए आए हो बेटा, प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, अदरवाइज छूट जाएंगे। सो इस केस में आंसर क्या होगा बेटा, व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस, व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस बेटा, व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस बेटा, व्हाट विल बी द आंसर इन दिस बेटा, व्हाट इज द आंसर बेटा। बहुत ही प्यार से बेटा, कुछ नहीं करना है भैया, 50% किसका, सेकेंडरी का, सेकेंडरी में क्या है 5 है, तो 5 रुपए का 50% कितना होगा 2.5, तो हमने 2.5 लिख दिया। उसके बाद
अगर प्राइमरी में 500 है तो सेकेंडरी में 5 है, प्राइमरी में अगर 2000 हो गया बेटा तो ये कितना सेकेंडरी में कितना होगा, अब ये कितना गुना हो गया आपका, 4 गुना हो गया, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा बेटा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ये यहाँ 20 कर दो बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना बेटा ये 100/25 छोड़ो कितना बेटा 25 सॉरी कितना बेटा यहाँ पे दिस इज योर 5 हो जा 20 बेटा, दिस इज योर 5 हो जा 20 ध्यान से कर दो 25/4 ये कितना बेटा 4 दुना के 8 PSM 8। सो ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चंस को माइंड से करोगे क्वेश्चन कभी भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे बेटा, ओके चलिए वेरी गुड। तो ध्यान से कल से हम लोग बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को याद रखिएगा, 7 बजे स्टार्ट करते हैं, चकदे सीरीज दोबारा स्टार्ट हो गई है, आज हमने सारे क्वेश्चन उसको लिए हैं जो कि बेटा एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। कॉन्सेप्ट सीखो बेटा, क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को लगाते हुए चलिए, द आंसर इज 8 ओके। तो सीखिए खेलिए बेटा और आगे बढ़ते हुए चलिए सर, ये क्वेश्चन देखिए बेटा ओके। अब थोड़े से क्वेश्चन आ गए हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं ठीक है बेटा, इस एग्जाम से ये नॉन टेक पार्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से देख लो बेटा उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। कह रहा है कौन सा जो कल्टीवेटर है किस 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 रीजन में आपका जो कल्टीवेटर था मुगल एम्पायर में मुगल पीरियड में कौन सी ऐसी चीजें थी जो एंजॉय करता था, ये क्वेश्चन बेटा आपका आया हुआ इसी बार आपका यूपीपीएससी ए में आया हुआ था ये क्वेश्चन, तो हमने कहा चलो बच्चों को बता देते हैं क्या क्वेश्चन है। तो बेटा पूछ रहा है कि भैया मुगल पीरियड में जो हमारे लैंड कल्टीवेटर थे वो लोग क्या क्या किस चीज का क्या चीज बेनिफिट करते थे, तो तुक्का लगाओगे तुक्का लगा लो, तुक्का लगा लो बेटा, तुक्का लगाना चाहते हो तुक्का लगा लीजिए ओके चलिए ओके वेरी गुड। याद रखिए बेटा आपका जो कल्टीवेटर था मॉर्टगेज मतलब क्या होता है बेटा, मॉर्टगेज मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है बंधक, बंधक बना अपने कहते ना कि हाँ हम लोग जाते हैं अपना सोना को दे देते हैं वहां पे कौन सा गोल्ड वाले को दे देते हैं, हाँ जो है ना आजकल खुला हुआ है छोटा हाथी बना होता है गोल्ड वाले के रखाते हैं गोल्ड अपना उसके बाद पैसे ले लेते हैं उससे। तो आपका मुगल पीरियड में क्या होता था आपका राइट टू मॉर्गेज और गिफ्ट के फॉर्म में आप लोग जो हमारे कल्टीवेटर थे वो लोग इस पार्ट को एंजॉय कर सकते थे, सी आंसर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर बेटा ओके चलिए वेरी गुड। आगे देखिए जो आपका स्टेट है जैसे भैया एक तो होता है कैपिटल सेंटर होता है बेटा, एक कौन होता है सेंटर होता है बेटा, एक कौन होता है बेटा सेंटर होता है, तो सेंटर वाले के पास कौन से बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, तो कह रहा है कि भैया कौन सा ऐसा टैक्स है इसमें से जो कि स्टेट को शेयर किया जाता है, तो सेंटर जो है जैसे कि इनकम टैक्स होता है तो इनकम टैक्स जो होता है पूरा पूरा सेंटर के पास रहता है उससे कोई लेना नहीं रहता, वो स्टेट को नहीं देता, वो स्टेट को नहीं देता, तो कौन सा इसमें से टैक्स है जो कि भैया जो सेंटर है वो स्टेट के साथ शेयर करता है, चलो भैया हम तुम दोनों लोग मिलकर लेंगे इसको तुम भी कमाओ हम भी कमाओ, इनकम जैसे इनकम टैक्स हो गया इनकम टैक्स सिर्फ सेंटर लेता है हम नहीं देंगे तुमको, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा बेटा यहाँ पे ऐसा कौन सा टैक्स है, तो बेटा आपका याद रखिएगा ये एक्साइज टैक्स जो होता है जिसमें कि भैया जब पान बीड़ी खाते हो आप लोग टोबैको हो गया अल्कोहल हो गया ना बेटा और आपका बेटा और बहुत सारे आइटम्स होते हैं तो इसको ऐसे याद रखो, तो इसका भी जो टैक्स होता है वो एक्साइज टैक्स होता है जो कि हमारा स्टेट सेंटर स्टेट और सेंटर दोनों ही क्या करते हैं शेयर करते हैं इसको, आंसर इज एक्साइज टैक्स बेटा ओके चलिए वेरी गुड। आगे बढ़ते बेटा आगे बढ़ते कह रहा है कि कौन सा इसमें से आर्टिकल है जिसमें कि जिससे कि हम लोग क्या करते बेटा हम लोग पार्लियामेंट में लॉ बना सकते हैं अपना इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बना सकते हैं ठीक है बेटा, तो किस आर्टिकल से विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट ओके बताइए बेटा आंसर, आंसर इज बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन और बेसिकली यूपी में तो ये बहुत बार पूछता है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा आपका पार्लियामेंट दोनों पार्लियामेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, आंसर इज 253 इज द राइट आंसर 253। ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, प्लीज फिर से करना बेटा पूरा पीएचडी मत करिए कि हाँ पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो आर्टिकल पढ़ रहे नहीं बेटा, आप लोग उतना पढ़िए जो पहले रिपीट हो चुका है उसके बाद फिर आप लोग और कुछ टच करिएगा ओके, तो आंसर इज दिस इज द 253 ओके चलिए। कह रहा है कि जो हमारा ज्वाइंट सिटिंग होता है हमारे पार्लियामेंट में इंडिया में, तो बेटा उसको जो हेड करता है वो कौन करता है, उसको जो हेड करता है बेटा वो कौन करता है बेटा वो कौन करता है उसको जो हेड करता है बेटा वो कौन करता है, कौन है जो हेड करता है हमारे पार्लियामेंट को ज्वाइंट सिटिंग को कौन हेड करता है बेटा, कौन हेड करता है बेटा ओके, सो आंसर विल बी आंसर विल बी बेटा आंसर विल बी आंसर विल बी बेटा द
हमेशा देखिएगा जो ज्वाइंट सिटिंग होती है आपकी पार्लियामेंट की, उसको जो हेड करता है, वो जो हेड करता है बेटा वो बच्चे क्या लगाते हैं ए, लेकिन दिस इज रॉन्ग बेटा, आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा इज द राइट आंसर। अगेन रिपीट हुआ क्वेश्चन बेटा ये, और बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बेटा, ओके चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है कि भैया कौन, जब भैया व्हाइल डिसाइडिंग एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द डिस्क्वालीफाई, हमको चाहिए हमको किसी पार्लियामेंट के बंदे को हमको क्या करना है, हमको उसको डिस्क्वालीफाई करना है, तो उसके लिए जो प्रेसिडेंट है वो किस कहां जाता है, वो कहां जाए, जैसे कि आप लोग गए भैया, आपने गए आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपने क्या किया कोई डॉक्यूमेंट फर्जी लगा दिया, तो क्या होगा, चेक होगा, वो चेक होगा, तो भाई जिसके पास वो फर्जी डॉक्यूमेंट होगा वहीं जाएगा पे चेक होने। तो यहाँ पे याद रखिएगा किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो ये प्रेसिडेंट है वो कहाँ जाता है, वो जाता है किसके पास बेटा, वो जाता है बेटा किसके पास, दैट इज योर इलेक्शन कमीशन के पास। भैया सारा जो लेखा जोखा है पार्लियामेंट वालों का, जो बंदे हैं उनका जो पैसा है, क्या क्वालिफिकेशन है, सब किसके पास होता है, इलेक्शन कमीशन वालों के पास होता है। तो प्रेसिडेंट बोलेगा कि भैया दिखाओ इसका क्या क्या है, इसके पास है क्या क्या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको डिस्क्वालीफाई करेगा अपने अकॉर्डिंग। ओके सो आंसर इज दिस इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन लेगा, इससे लेगा बेटा आपका इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन लेता है बेटा। ओके चलिए वेरी गुड। जो सोयाबीन होता है बेटा, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो सोयाबीन सीड्स होते हैं, कहते हैं बेटा बहुत प्रोटीन होता है, कहते हैं बेटा हाँ सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है बेटा, सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, सभी लोग बोलते हैं बेटा कि सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, खाना चाहिए। तो भैया सोयाबीन में कितना प्रोटीन होता है ये पूछा हुआ एग्जाम में, तो भैया इसका आंसर क्या होगा, सोयाबीन में कितना प्रोटीन होता है, कितना ऑयल होता है, बताइए बेटा आंसर बताइए बेटा। वेरी गुड। तो आंसर इन दिस केस इज 20% प्रोटीन 40% ऑयल, नहीं बेटा दिस इज रॉन्ग, इसका जस्ट रिवर्स होता है, 40% प्रोटीन एंड 20% ऑयल, दिस इज राइट बेटा। ओके हमेशा रखिएगा क्वेश्चंस जो अब रिपीट होते हैं बार बार उसको जरूर देख लीजिएगा बेटा, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए गलती ना करिएगा। ओके चलिए आ जाओ, वैसे जैसे कि हम लोग की हिंदी की मृत्यु हो चुकी है, जैसे कि हम लोग हिंदी का एकदम राम भरोसे है भाई बेटा, हिंदी से भी आजकल क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, तो भैया बताओ कितने लोग आप लोगों को पता होगा ये सब जो लिखा हुआ है, पर इसको पढ़ लोगे वही बड़ी बात है। कह रहा है कि मृत्यु के जो इच्छुक होते हैं उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, चलो मैं इसको इंग्लिश बोलूं, तो वन वर्ड आंसर है बेटा ये, तो वन वर्ड आंसर में कह रहा है भैया जो सेल्फ चाहते हैं कि भैया हमको इच्छा मृत्यु चाहिए, तो उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, उसको बेटा हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, जो चाहते हैं कि भैया हमको, अब भैया हमारा कोई बॉडी काम नहीं कर रही है बेटा, तो हम लोग वहां पे जो बंदा होता है वो कहता है भैया हमको चाहिए क्या बच्चा, हमको मृत्यु चाहिए, तो उसके लिए वन वर्ड आंसर, ये क्या है बेटा वन वर्ड आंसर है, इंग्लिश में बता रहा हूँ कि आप लोग को हिंदी तो बहुत मसाला है हमको पता है, तो आंसर इज बेटा हमेशा देखिएगा द आंसर विल बी इन दिस केस दैट मुमूर्सू इज द राइट आंसर बेटा, याद रखिएगा। वैसे हिंदी में आप लोग ये एग्जाम आया हो बेटा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आया बेटा, हम अपने से लेके नहीं आए, ओके ये सारे क्वेश्चन हिंदी के फॉर्म में पूछा हुआ है एग्जाम में, और आजकल विलुप्त हो चुकी है हिंदी, तो इसको ध्यान रखिएगा मुमूर्सू इज द राइट आंसर बेटा। तो सेल्फ डेथ का जो इच्छुक रहते हैं दैट इज कॉल्ड योर मुमूर्सू बेटा। ओके चलिए आगे देखते बेटा, चलो ये कह रहा है चीना सुंक शब्द का अर्थ है, तो चीना सुंक का शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा, अरे सर ये सब क्या बोल रहे हो बेटा, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन बनाए हुए नहीं है, सारे क्वेश्चन क्या है एग्जाम के हैं, पूछेगा आने चाहिए, क्योंकि हर मार्क्स का एक मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तुम मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व करो, चाहे तुम हिंदी का सॉल्व करो, चाहे आप लोग किसी का भी सॉल्व करो, पावर सिस्टम का सॉल्व करो, वन मार्क्स मतलब वन मार्क्स होता है, कलेक्शन के बाद वो मेरिट बनाता है, तो इसको हल्के मत लीजिएगा। आंसर इज देखो बेटा चीना सुंक जो होता है बेटा वो कुछ नहीं होता, वो क्या होता है चीनी मिट्टी, तो पढ़ते ना आप लोग पोर्सलेन पढ़ते ना बेटा, पोर्सलेन का हम लोग इंसुलेटर यूज करते हो है ना बेटा, दैट इज पोर्सलेन, दैट इज नथिंग बट योर चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी होती है आपकी, ये चीनी मिट्टी जो होती है वो कुछ नहीं होता, वो चीना सुंक होता है, उसको हिंदी में जो शब्द होता है अर्थ क्या होता है, चीना सुंक का मतलब ही होता है क्या बेटा चीनी मिट्टी, दैट इज पोर्सलेन। अब बताओ हिंदी भी अब तुम लोग को इंग्लिश में पढ़ाना पड़ रहा है, देख रहे हो ना बेटा, तो सीखो जो सीखो। ओके अभी मैं पूछूंगा ABCD ना, तो सबको आएगा, अभी कख बोलूंगा पूरा, सभी लोग बताइए कख, बहुत लोग भूल जाओगे क्योंकि पढ़ाई नहीं हुआ है, ओके भूल चुके सब कुछ। ओके वेरी गुड। अब देखो ये कह रहा है अंदर अंदर की कढ़ाई में गुड़ पकना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, मुहावरे बेटा ये क्या है, मुहावरे हैं
तो इसका मुहावरे का आंसर बताइए बेटा। ओके इसका आंसर बताइए बेटा, क्या रहा है? अंदर अंदर का बोले ना, अंदर अंदर सब पक रहा है, बोले ना आप लोग, हम लोग बोलते कि अंदर अंदर सब पक रहा है, अंदर खिचड़ी पक रही है, अंदर सब खिचड़ी पक रही है सर। तो आंसर इस बार बता, दैट इज योर, दैट इज योर नथिंग बट योर गुप्त मंत्रणा होना, गुप्त मंत्रणा होना बेटा, गुप्त मंत्रणा होना, गुप्त मंत्रणा होना बेटा, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकड़ना बेटा। ओके चलिए वेरी गुड। अब बेटा बताओ इसका, बताओ पवन शब्द का संधि विच्छेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं हमको लग रहा है कि हम 10-15 एग्जाम में इसको, 10 एग्जाम में तो एटलीस्ट देख ही चुके हैं। यूपी पीसीएल के 3-4 शिफ्ट में पूछा गया है अलग अलग साल में पवन का, और ये 2019 में आपका यूपीपीएससी ए में पूछा गया। आज मेरा मेन फोकस यूपीपीएससी ए ही था, क्योंकि पॉलिटेक्निक लेक्चर का एग्जाम आने वाला है, तो वहां भी ये पूछा हुआ है। तो पवन शब्द का जो आंसर होगा सर वो क्या होगा बेटा? यस वेरी गुड, ओके वेरी गुड। सब लोग सीख लो बेटा, सीख लो, कुछ है नहीं बेटा, बच्चे क्या लगाएंगे इसका? प पवन, प प्लस वन, पवन। तो बेटा वन में चले जाओगे, जंगल में चले जाओगे। ओके दिस इज नॉट द आंसर। ओके आंसर इज, दिस इज द पो प्लस वन, दैट इज योर पवन, दिस इज द आंसर। छंदी भी होगा इसका पवन का, दैट इज योर पो प्लस अन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा, गलती ना करना, पोवन मत कर देना, पोपो नहीं हो जाएगा बेटा, सब पोपा हो जाएगा। ओके दिस इज आंसर, द आंसर इज पो प्लस वन। इतनी बार ये आ चुका है पवन का कि हमको भी कहना पड़ता है बार बार इसको क्यों पूछता है, बार बार इसलिए पूछता है, उसको पता है कि हाँ आप इंजीनियर हो, हिंदी आपको आनी रही होगी, लेकिन जो बच्चे पढ़े होंगे, रिविजन किए होंगे, वो इसे आंसर कर लेंगे। द आंसर इज बी, पो प्लस वन बेटा। ओके चलिए, कह रहा है इनमें से 25 शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब समझते हो? पर्यायवाची लोग इंग्लिश में बता देते हैं, बताओ हिंदी भी, हम लोग कह रहे हैं बेटा हिंदी कितनी अच्छी होगी हम लोग की, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स होता होगा सर, सिनोनिम्स। ओके दिस इज योर सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब एक ही वर्ड के बहुत सारे, सेम वर्ड के मतलब सिनोनिम्स। ओके सो दादा बेटा सिनोनिम्स दादा बेटा इसका, भैया जो पक्षी होता है, पक्षी का सिनोनिम्स क्या होता है बेटा? पक्षी का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए सभी लोग। ओके वेरी गुड, ओके ओके। देखो आप खुद खुद से सोचो कि हाँ आप लोग किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, खाली खाली सिर्फ टेक्निकल पढ़ने से कितना बात होता है, मेरिट सबका बनेगा बेटा, मेरिट सबका बनता है बेटा। और आजकल तो इंडिविजुअल कट ऑफ भी रख रहे हैं, हिंदी में तुम अगर सिलेक्शन नहीं, अगर तुम्हारा इतने नंबर से ज्यादा नहीं होगा तो वो पूरा पेपर ही चेक नहीं करते हैं, तो इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, और ये सिर्फ यहाँ पे बढ़ती है। तो इसलिए ध्यान से याद मत रखना कि यहाँ पूरा वहाँ टेक्निकल कर लिए हो, यहाँ तुम्हारा मान लो मिनिमम मार्क्स चाहिए होता 33% चाहिए मिनिमम मार्क्स इसमें हिंदी में, आप वो भी नहीं लेके पाए पाए तो पूरा पेपर ही कैंसिल हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चंस को करने आना चाहिए बेटा। ओके तो आंसर क्या है बेटा? जो पंछी, जो पक्षी होता है वो शब्द जो पर्यायवाची नहीं है बेटा, जो पर्यायवाची नहीं है बेटा। ओके तो आंसर इज बेटा नहीं है, इसको क्यों बोल रहे हो? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है बेटा, याद रखिएगा। दैट इज योर पिसून, पिसून इज द राइट आंसर, पिसून इज द राइट आंसर, पर्यायवाची नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आंसर बेटा? आंसर इज ए, आंसर ए इज द राइट बेटा। तो आप लोग ध्यान रखिए, इज नॉट, नॉट को भूल मत भूलना बेटा। ओके सकुनी मामा याद है बेटा, सकुनी मामा। ओके दिज यंग, ओके चलिए आंसर इज पिसून इज द राइट आंसर बेटा, पिसून इज द राइट आंसर बेटा। ओके चलिए ये कह रहा है कौन शब्द, हाँ इसका अर्थ क्या है? मैसूर, मैसूर का अर्थ क्या है बेटा? मैसूर का अर्थ क्या है बेटा पूछ रहा है कोई इसमें से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, चलो मैं इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैसूर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैसूर बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैसूर, तो क्या बेटा इसका आंसर? ओके वेरी गुड, व्हाट इज आंसर ऑफ मैसूर? ओके वेरी गुड, देखो कितने अच्छे से आप लोग दे रहे हो बेटा, कितने अच्छे से आंसर दे रहे बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैसूर, मैसूर बेटा। ओके वेरी गुड, ओके ओके शिल्पा, राहुल, तानवी वेरी गुड, लोकेश, दीपक, केदारनाथ, ओके बेटा वेरी गुड, ओके 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 वेरी गुड। तो सीखो बेटा, देखो हिंदी को हल्का मत लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, पूरा पेपर चेक नहीं होगा अगर तुम मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं लेके आओगे हिंदी में, याद रखिएगा। पूरा का आप लोग पढ़ते नहीं हो ना, वो आपका जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो पूरा पढ़ते नहीं हो आप लोग, ध्यान रखिएगा। अगर आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं लिए हिंदी में तो पूरा पेपर चेक नहीं होता है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। ओके चलिए, तो इस केस में आंसर इज योर मैसूर का मतलब क्या होता है बेटा आपका? दैट इज योर पृथ्वी का रक्षक, जो पढ़ते हो ना आप लोग,
आप लोग महिषासुर मत पढ़ लो, हाँ महिषासुर हो गया राक्षस भैया, वो सब नहीं है, वाला काम मत करो, प्रवृत्ति नहीं है। महिषासुर मतलब क्या होता है? पृथ्वी का रक्षक, पृथ्वी का रक्षक बेटा। ओके आंसर ए विल बी द रजनी बेटा। ओके चलो सारे क्वेश्चन आए हुए, सारा गुड़ गोबर मत कर देना। ओके चलिए इधर बेटा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी मतलब करेक्टली स्पेल्ट, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड भैया बता देना, पता नहीं तुम लोगों को पता भी हो नहीं, वर्तनी मतलब इसका मतलब ये है विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ट, मतलब कि किसको स्पेलिंग सही है, किसकी स्पेलिंग सही है इसमें से, वो आपसे पूछ रहा बेटा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बेटा, कौन सा इसमें करेक्टली स्पेल्ट बेटा जल्दी बताइए। ओके वेरी गुड, कौन सा इसमें तुमको सही लग रहा है कि सही सही लिखा है, सही कौन सा लग रहा बेटा, कौन सा इसमें सही लग रहा है बेटा, कौन सा सही लग रहा है बेटा। ओके वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बच्चे कुछ ये लगाएंगे, ठीक है दिस इज रॉन्ग बेटा, कुछ बच्चे ये तो नहीं लगाएंगे, मुझे इतना विश्वास आया आप पे, कुछ बच्चे ये लगाएंगे, ये भी सही होता लेकिन नहीं है बेटा, आंसर इज ए, ए इज द राइट आंसर बेटा, ए इज द राइट आंसर बेटा। ओके चलिए आगे देखो बेटा, आगे देखो कह रहा है फिर से वही, अमॉन्ग द फॉलोइंग इन द गिवेन वर्ड्स, अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्ड्स विच इज द करेक्टली स्पेल्ट, विच इज द करेक्टली स्पेल्ट मतलब शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है बेटा, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा बेटा, विच इज करेक्टली स्पेल्ट, विच इज करेक्टली स्पेल्ट, कौन सा इसमें से वर्ड को करेक्टली स्पेल्ट किया गया बेटा। ओके चलिए करेक्टली स्पेल्ट बता, कौन सा स्पेल्ट है करेक्टली स्पेल्ट है बेटा। ओके वेरी गुड बबली स्माइलर, वेरी गुड बेटा संतोष राहुल, वेरी गुड सोनम, ओके ओके वेरी गुड, सो आंसर इज सी इज द राइट बेटा, शास्त्र इज द राइट बेटा, ये सही है। ओके सब बेकार है और सब बेकार है। ओके तो ध्यान से पढ़ना शुरू कर दो बिकॉज बहुत ही पीछे जो हो हिंदी में आप लोग। ओके चलो सो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, सो कहाँ गया अपना जेनिंग प्लेटफॉर्म। ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है तो ये सबको देख लीजिएगा एंड ऑलवेज रिमेम्बर ये हमारा बेटा लास्ट है, और अब ये थोड़ा से क्वेश्चंस का लेवल आज अच्छा था, हाई था, लेकिन अब फिर से क्वेश्चंस सारे जितने भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं जेई लेवल के ए लेवल के सारे क्वेश्चंस को आपकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा आपको, जेनिक टेलीग्राम जेनिक पे, जेनिक लर्निंग ऐप मिल जाएगा बेटा, जेनिक लर्निंग ऐप, ओके लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा। अब एक नया फीचर और है बेटा कि आप मुझे यहाँ पे हमसे मुझसे बात भी कर सकते हो, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, पर्सनली बात करना होगा तो आप मुझसे बात कर सकते हो, कहाँ बेटा आपका जेनिक टेलीग्राम लिंक पे, वहां पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हो वन टू वन अगर चाहते हो बात करना तो, और कोई भी चीज चाहिए आप लोग को मुझसे यहाँ पे लेके मिल सकते हो। सो ध्यान से प्यार से पढ़ना शुरू कर दीजिए, डेट सारी आ चुकी है एग्जामिनेशन की, कोई भी कुछ भी डाउट्स हो प्लीज आप लोग पूछिए एंड वी विल गोइंग टू रिजॉल्व इट। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, वी विल गोइंग टू मीट अगेन विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड धीरे धीरे चीजों को इंक्रीज करो, हैबिट बनाओ सुबह उठने की, मैं मुझे पता है बहुत लोग भूल चुके हैं सुबह उठना, बट स्टार्ट करते हैं फिर से और इसको एंड तक लेके चलते हैं बिकॉज सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, आपके लिए सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, एंड जाते जाते एक बार पूरा कमेंट बॉक्स लाल कर दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग थोड़ा सा ये को देख रहे हो। ओके थैंक यू सो मच।